चलो आप शुरू करो। शुरू करो हैं? विजय जी कहाँ हैं? आप। हाँ विजय जी प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। महेश अग्रवाल। प्रणाम, जय सिया राम। हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे ख्याल से अपने कमिश्नर साहब सोमनकर जी भी आ चुके हैं, डीडी अग्रवाल जी भी आ चुके हैं, और मनीषा जी भी आ चुकी हैं, और डॉक्टर नरेश जी की आवाज सुन रहे हैं। डॉक्टर नरेश, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। देखो जरा आवाज सामने आ रही है। आदि डॉक्टर नरेश को जरा फोन लगाए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 4-5 मिनट्स। मनीषा जी नमस्कार। मेरे ख्याल से अब आप सबकी इजाजत हो तो आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया जाए। और वी शुड वेट फॉर 5 मिनट्स जैसा आप उचित समझते हैं। ठीक है ठीक है। एक बार डॉक्टर नरेश कर। सर आवाज के प्रॉब्लम है सर, आवाज ठीक से नहीं आ रही। सो गुड इवनिंग टू ऑल। एट द आउटसेट आई महेश अग्रवाल ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोफेशनल टाइम्स एंड ऑन माय ओन बिहाफ वेलकम यू ऑल ऑन दिस फाइन इवनिंग इन दिस प्रोग्राम ऑफ हाउ टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कैसे बढ़ाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के इस पीरियड में दो ही चीज अमोघ अस्त्र हैं कोरोना से लड़ने के, या तो सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग या अपनी इम्यूनिटी पावर को ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप करके रखना। पहला प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वेल्थ। अभी हमने सभी को किया था, उसमें आप सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला और वो बहुत ही सफल था। मुझे खुशी हो रही है आज के स्टार स्पीकर्स के रूप में शाम के प्रोग्राम में आदरणीय आचार्य विजय जी, जो कि इंटरनेशनल योगाचार्य हैं और हनुमान के स्थापक, उसी के साथ साथ इस कार्यक्रम के दूसरे स्टार स्पीकर के रूप में डॉक्टर मनीषा, जो एक बहुत ही उत्कृष्ट किस कैटेगरी की डाइटिशियन है, और तीसरे टॉपिक को कवर करने के लिए डॉक्टर नरेश, जो कि इम्यूनिटी पावर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के माध्यम से कैसे बढ़े इसके ऊपर आज बोलने जा रहे हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुभारंभ के लिए मैं मेरे भाई सीए दीनदयाल अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का एक विधिवत इनॉग्रेशन करेंगे। श्री दीनदयाल अग्रवाल जी एक बहुत ही सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सेटअप है इनका, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट है सीएसआर फाउंडेशन। मैं इनके कार्यक्रम कई बार गया हूँ। सीएसआर फाउंडेशन के इसने सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और काफी चैरिटी और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज इस संस्था के माध्यम से दीनदयाल अग्रवाल जी करते हैं। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं सीधा सीधा दीनदयाल अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा फॉर वर्ड्स ऑफ विजडम और वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। दीनदयाल अग्रवाल जी प्रणाम भाई जी।
मैं सबसे मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रोफेशनल टाइम जिसके आप अध्यक्ष हैं, आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि प्रोफेशनल टाइम 12 साल से काम कर रही है, उसके लिए मैं बहुत आपका बहुत साधुवाद करता हूँ। इससे लगभग 10-12 हजार लोग जुड़े हुए हैं जो चार्ट अकाउंटेंट है, CA है, ICW है, CS है। अभी आपने रिसेंटली 1 साल से लगभग डॉक्टर्स को भी जोड़ा है, तो बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज अग्रवाल साहब थोड़ा अपनी आवाज का वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है, आ रही है आवाज आपको? आवाज आ रही है महेश जी? हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज साहब आवाज आ रही है? हाँ कंटिन्यू रखो, बाकी सभी लोग आवाज आ रही है कि वो सिस्टम पर डाल देंगे जी। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है मोटिविटी एंड इम्यूनिटी, तो मोटिविटी के लिए आज हमारे बीच में जैसा आपने बताया कि विश्व विख्यात आचार्य विजय जी है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मोटिविटी में के बारे में बहुत ज्यादा आपको बताएंगे। और इम्यूनिटी के बारे में आपने दो बात कही है कि जो राइट डाइट के लिए एक मनीषा अग्रवाल जी है और बॉडी फिटनेस के लिए डॉक्टर नरेश जी है। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 2-3 बातें मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। जब मैं बैंक में डायरेक्टर बना तो मैंने दो चीज, एक चीज में किसी ने कहा था कि आपको 200% पॉजिटिव होना है। मैंने भी 200% क्यों? बोले यार 100% आप मेरे लिए और 100% दूसरे के लिए। आज भी जो समस्या है, लगता है कि हमें अपने लिए पॉजिटिव होना है और जो लोग हमें नेगेटिव ही बातें करते हैं उनको भी हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो मेरा एक आप सभी से गुजारिश है कि आप 200% पॉजिटिव रहे। मैं आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल दूंगा कि मैं लगभग 10 अप्रैल से डेली ऑफिस जा रहा हूँ और मैंने 10 अप्रैल के बाद टीवी देखना बंद कर दिया और उसका असर ये हुआ कि जो मैं पहले नेगेटिविटी में जी रहा था तो धीरे 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 मैं कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में। और कई मैंने सामाजिक कार्यक्रम में भी गया, मतलब जहां मैंने सोशल डिस्टेंसिंग को भी मैंने फॉलो किया है। सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जो महेश जी ने कहा है वो हमें मतलब करनी चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग में बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग जो होती है वो करना चाहिए, सोशल तो वही है। अभी आज देखिए महेश जी के माध्यम से लगभग 50 से 60 लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा था 50 लोग शायद मेरे ख्याल से अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मेरे ख्याल से। तो सोशल डिस्टेंसिंग हम कर ही रहे हैं, लेकिन 60 प्लस हो गए, 60 प्लस मैं जब मैं देखा 50 से तो मेरे पास हो गए होंगे। तो अच्छा है कार्यक्रम, बहुत अच्छा है, और 60 हो गए तो सोशल डिस्टेंसिंग और सोशली जिस तरह मेजर में जुड़ा हुआ है इस तरह कार्यक्रम और हो। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को, बहुत लोगों को फायदा होगा और आचार्य विजय जी जो अंतरराष्ट्रीय विख्यात है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेशनल टाइम्स के अध्यक्ष MK अग्रवाल जी आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने बुलाया। मैं बहुत ज्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि आचार्य विजय जी बैठे हुए हैं, उनका समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः एक बार आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब। अब मैं अनुरोध करूंगा कमिश्नर इनकम टैक्स सीनियर IRS ऑफिसर सोभनकर जी से मेरा संबंध पिछले 25 वर्षों से है और मैंने बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट को इन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया, उसके लिए मैं हृदय से और प्रोफेशनल टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ सर। सोभनकर जी इंटरनेशनल टैक्सेशन और काफी डिपार्टमेंट की जो सीनियर ऑफिसर्स में से एक हैं, आप कमिश्नर इनकम टैक्स के पद पर इस वक्त हैं, उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर ट्रांसफर प्राइसिंग में और इंटरनेशनल टैक्सेशन में बहुत ही काबिले तारीफ है। हम सभी प्रोफेशनल लोग, ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इस बात को बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं सीधा सीधा बिना समय ज्यादा गवाए आपसे अनुरोध करूंगा फॉर कीनोट एड्रेस फॉर योर ब्लेसिंग सर, श्री सोभनकर जी प्लीज। नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है?
हाँ सर, आवाज आ रही है, बहुत साफ आ रही है. सो नाइस ऑफ यू सर. जी धन्यवाद. आचार्य विजय जी, डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, डॉक्टर नरेश, महेश अग्रवाल जी और मीनल एंड ऑल अदर फ्रेंड्स हु हैव जॉइंड दिस इवनिंग, हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. इनकम टैक्स से तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बट आई हैव स्टिल बीन आस्क्ड टू डिलीवर अ कीनोट एड्रेस. सो आई कैन ओनली से that immunity is the internal power that each of us possess. We can only work and improve it every day through our actions, through our deeds, through our diet and through our thinking. और आज का जो समय हम लोग फेस कर रहे हैं, this is like World War III. Corona is nothing short, COVID-19 is nothing short of World War III. World War II में भी सिर्फ 20 या 25 कंट्री अफेक्ट हुए थे, लेकिन कोरोना के प्रकोप से आप देख रहे हैं मोर देन 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैव बीन अफेक्टेड. मतलब बहुत ही कम देश हैं जो कोरोना के वायरस के इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रह पाए हैं. सो वी नीड टू थिंक अबाउट अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो मेडिसिन टू ट्रीट कोरोना, वेयर वी डोंट हैव अ वैक्सीन टिल नाउ एंड येट वी हैव टू लिव एंड वर्क एंड सर्वाइव. तो इस बैकग्राउंड में I think this is a wonderful topic chosen by Professional Times, and we have three experts who will today talk to us about this issue. लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब से ये कोरोना का शुरुआत हुआ और लॉकडाउन हुआ, मैं personally भी अपने personal life में and I spoke to some experts, they all said that if you have a good immunity, आपकी immunity अगर strong है, this virus can do you no harm, and I believe in it. मैं अपने पर्सनल लाइफ में बहुत योग नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, इम्यूनिटी के लिए कोई खास ध्यान भी नहीं देता हूँ, लेकिन कोरोना ने मुझे भी ये समझा दिया कि अगर जिंदा रहना है, इन्फेक्ट नहीं करना है, वी मस्ट ऑल फोकस ऑन आवर ओन इम्यूनिटी. कई तरीके हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे. बट मैं एक छोटा सा चीज बताऊं, मैं अपने पर्सनल लाइफ में आई एम टेकिंग समथिंग कॉल्ड कुरकुमिन पाउडर. Curcumin is an extract of haldi, and I am told ki haldi is one of the best immunity boosters that we have. So aapne dekha hoga ki Europe aur USA aur baki countries mein jis tezi se ye bimari phaili ya jis tarah se wahan impact hua hai, abhi tak humne India mein bahut acha kiya hai, thanks to the efforts of the government of India, state governments, NGOs and people who are maintaining social distancing, humne acha kiya hai. Lekin ab hum crucial phase mein ja rahe hain. बहुत एक्सपर्ट्स का कहना है कि जून और जुलाई में इंडिया में द इन्फेक्शन विल स्प्रेड वेरी रैपिडली, शायद और ज्यादा लोग इन्फेक्ट जरूर होंगे और डेथ भी बढ़ सकता है. तो ये क्रूशियल टाइम है. लॉकडाउन खत्म हो जाने का मतलब नहीं है कि हम लोग बड़े रिलैक्स हो जाएं और चीजों को आसानी से ले लें. आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन आवर सेफ्टी, ऑन आवर द सेफ्टी ऑफ द पीपल अराउंड अस, एंड बाय फॉर दैट वी नीड टू रियली वर्क ऑन आवर बिहेवियर एंड ऑन आवर इम्यूनिटी. और इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, पीपल आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम द थ्री एक्सपर्ट्स. आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक महेश जी, ही इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एज ही सेड, एंड आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट. हिज डॉटर मिनल इज अ डायनामिक यंग प्रोफेशनल. प्रोफेशनल टाइम से भी मैं जुड़ा हूँ कई सालों से. सो आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू कैरी आउट दिस वेबिनार्स एंड प्रोग्राम्स. थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड आई विश एवरी वन गुड हेल्थ एंड लेट द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल. Thank you. Namaskar. Thank you very much, sir. We are very much obliged for your kind, benign presence, sir. Despite so busy schedule, you have accepted my invitation. I am really very much obliged, sir. I knew you were having very, very tight schedule. And even then, I requested you and you spare your time for today's this program. I really want to convey my sincere thanks on my behalf, on behalf of Professional Times, and on behalf of all the participants here. Now, I'm coming straight to the topic for the star speaker. Before I invite Sri Acharya Vijay ji, I also want to acknowledge the presence of Sri Bhupinder Dikshit, Secretary, Panipat Branch, Chartered Accountant, Sri Rajesh Agarwal ji, former Vice Chairman, Northern India Regional Council, Sri Ritesh Agarwal ji, a very philanthropic chartered accountant and very closely associated with
सेवा भारती एन ऑर्गन ऑफ आरएसएस एंड आल्सो विद द प्रेजेंस ऑफ श्री पीयूष बंसल चेयरमैन जलंधर ब्रांच. पीयूष जी वी आर वेरी मच ओब्लाइज सर फॉर योर बिनाइन काइंड प्रेजेंस इन दिस प्रोग्राम. वी आर अगेन वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू सर. विद दिस आई एम इंट्रोड्यूसिंग श्री आचार्य विजय जी. आचार्य विजय जी डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन इन दिस field. I know him since last more than 30 years. He used to organize various programs of yoga, dhyan, pranayam, positive attitude, yoga nidra, kayotsarg, and everybody was very much fan of Sri Acharya ji. Acharya ji has founded and founder president of Hanuman Dham, a spiritual organization, a large number. And he has organized more than 45 programs of yoga, yoga, dhyan and pranayama in more than 45 countries. His expertise in this field of yoga, dhyan, pranayama and how to boost up your immunity power, how to rejuvenate your mind, body and soul with all these, I think, बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छे शब्दों में कवर करने के लिए मेरे को इनसे ज्यादा और कोई व्यक्ति नजर नहीं आता. मुझे आज भी याद है जब हमने पहली बार जीवन में योग निद्रा का कार्यक्रम सीखा था आचार्य जी से, तो डिस्ट्रिक्ट पार्क पीतमपुरा में सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे और सभी लोगों ने इतना आनंद उठाया था. मुझे उम्मीद है आज वो कुछ न कुछ इसका भी एक थोड़ा सा दृष्टांत हमें जरूर बताएंगे. हो सकता है लेट के ना सही, बैठ के ही सही. अब मैं सीधा सीधा आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज का इस कार्यक्रम को आगे कैरी करेंगे. आई थिंक हमारे बीच में डॉक्टर नरेश भी उपस्थित हो गए हैं. मैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम करता हूं. श्री नरेश जी हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जिसका कि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, उसके फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट के हेड हैं और वो हमें एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरह से बूस्टिंग पावर इम्प्रूव होती है या हो सकती है बढ़ाई जा सकती है, इसके ऊपर आज महेश जी हमारी भी इंट्रोडक्शन करा दो सबको. हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बहुत सारे पदाधिकारी मेरा हौसला अफजाई के लिए आए हैं, खास तौर से मेरा भाई रमेश गुप्ता जो कि वाइस प्रेसिडेंट है श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के, श्री बाल मुकुंद जी जो चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड है, हमारे मुख्य संरक्षक श्री घनश्याम गुप्ता जी जो कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर हम बहुत ही सेवा के काम कर रहे हैं और आप सबकी जो है मोटिवेशन से ही हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं सर. और हमारे काफी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जीके अग्रवाल जी वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा जो है और भी ना चार्टर्ड अकाउंटेंट पर इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं शशांक अग्रवाल जी, जीके अग्रवाल जी, जतिन चौधरी, कोमल, इन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने हमारा हौसला अफजाई की. और अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा सीधा इनवाइट कर रहा हूं आचार्य जी को अपने आज के कार्यक्रम. आचार्य विजय जी प्लीज, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी, ये कार्यक्रम तक जुटे रहिएगा और अपने अपने महेश जी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, म्यूट पर कर लीजिएगा प्लीज. आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र मित्तल जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ. आचार्य विजय जी प्लीज. जय श्री राम, जय हनुमान, आप सभी को मेरा प्रणाम. महेश जी ने मेरे को फोन किया और बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं भी पिछले 2 मास से, क्योंकि घर पर ही बैठे रहना होता है, तो अनेकों वेबिनार सेमिनार्स में मैंने बोल चुका हूं और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक कोरोना वायरस की वजह से केवल एक वायरस के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहा है सारे कार्यक्रम. आज का भी विषय यही है कि हमारे रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, हमारी सेल्फ इम्यूनिटी कैसे बढ़े, और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम कोरोना वायरस से बच जाएं. जबकि मेरा मानना यह है कि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति यानी इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ये केवल एक वायरस की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि
जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन के अंदर जितनी भी इम्यूनिटी काम करती हैं, उन सब ऊर्जाओं को कैसे वो निरंतर बढ़ाता रहे, ये विषय उस दृष्टि और उस परिपेक्ष में हमारे को देखना चाहिए। हम सब जानते हैं, हमारे बीच में डॉक्टर भी बैठे हैं, तो विश्व में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी अगर किसी की है तो वो भारतीयों की है, और सबसे कम इम्यूनिटी अगर किसी की है तो वो अमेरिकन्स की है। मैं अमेरिका जाता रहता हूँ पिछले 20 साल से, जो ध्यान कथाओं के लिए मेरे को मालूम है कि वहां पर किस प्रकार के लोग कैसे कैसे बीमार होते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर विश्व के अंदर कोई एक ऐसी विनाशक शक्ति है जो हमारे को बीमार कर सकती है, तो वहीं पर एक दैवीय शक्ति भी है जो हमारे को निरोगी बना सकती है, और ये शक्ति हम सबके शरीर के अंदर है। हम सबको उस शक्ति को समझना होगा, उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा, और उसके पश्चात उसका उपयोग करते हुए अपने शरीर को हम, हमारे यहाँ तो एक वाक्य कहा गया, जीवेद शरदा शरदम, 100 वर्ष तक शरद ऋतु को जियो। शरद ऋतु 100 साल तक जीने का अर्थ है कि शरीर को स्वस्थ रखो, परंतु आज हम देखते हैं कि 30-30 साल में, 20-20 साल में, 40-40 साल में हम सब लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका नाम भी नहीं सुना था वो हम सुन रहे हैं। इसीलिए शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति निरंतर बढ़े, और ये जो विषय दिया है रीजेनुएट योर बॉडी माइंड एंड सॉल, यानी केवल शरीर नहीं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, शारीरिक स्वास्थ्य जब अच्छा होगा तो ये दोनों स्वास्थ्यों की तरफ भी हमारे को चिंता करनी चाहिए, तभी हम उसकी चिंता कर पाएंगे। अन्यथा हम शरीर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और शरीर की ही चिंता करते हैं। आइए समझें हम कि किस प्रकार से ये जो इम्यूनिटी होती है, ये शरीर है, ये काम करता है। सबसे पहले है शरीर, बॉडी जो हमारे को दिखती है, जो हम खाते पीते हैं, जिससे हम रोज कर्म करते हैं, हम इसी की चिंता में रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये बॉडी जब काम कर रही है तो इसके पीछे एक मन है और एक बुद्धि है, यानी मानसिक स्वास्थ्य जो है वो होना ज्यादा जरूरी है। उसी के इशारे के ऊपर ये शरीर काम करता है, अगर वो ना हो पीछे तो ये शरीर काम नहीं करेगा, ये एक तरह से शव की तरह पड़ा रहेगा। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इस शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को नित्य प्रति बढ़ाते हुए अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने हमारे यहाँ अष्टांग योग की रचना की और हमें बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि, ये वो 8 रास्ते हैं जिन पर चलकर हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को नित्य प्रति बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति घटने की जगह जो आज हो रहा है बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे अनुभव बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर भी जीवन जो है वो बढ़ रहा है, हमें पता है कि हमें कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, और उसी पर हमारे रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति दारोमदार रखती है। शरीर के अंदर यहाँ डॉक्टर बैठे हैं वो बताएंगे कि एंटीबॉडीज होती हैं जो रोग से लड़ने की ताकत पैदा करती है। योग कहता है शरीर के अंदर कर्मसु कौशलम, योगस कर्मसु कौशलम, जो शरीर के कौशल को बढ़ाए उसी को योग कहते हैं। योग यानी दो चीजों का मिलन, मिलन किसका होगा शरीर में, तो ये शरीर के अंदर 8 चक्र होते हैं जिनसे नित्य प्रति ऐसे रसायन निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे को स्वस्थ रखते हैं और उस अंग प्रत्यंग को काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है,
इम्बैलेंस होते हैं हार्मोन्स का सेक्रेशन बॉडी के अंदर, तब हमारे शरीर के अंदर रोग आता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो फिर योग के ऋषि ने हमारे को बताया कि हमारे को उठते ही प्रातःकाल शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ दो तीन चार चीजें अवश्य करनी चाहिए। आप अगर लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। प्रातःकाल उठते ही 1 से 4 गिलास पानी जितना आपका शरीर अलाउ करे वो जरूर पीजिए। उसके पश्चात एक आसन है पवन मुक्त आसन, वो आप किसी भी योग की कक्षा में सीख सकते हैं या पुस्तक से देख सकते हैं। एक आसन है कदम ताल आसन, एक आसन होता है शशांक आसन, एक होता है गोमुख आसन और एक होता है भुजंग आसन। अगर आप ये 5 आसन नियमित रूप से कर लेते हैं और इन 5ों को करने के लिए केवल 10 मिनट लगते हैं तो आप समझिए कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। आपकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये 5 आसन आप नियमित करने का अभ्यास डालें, ये मेरा आपको कहना है। उसके पश्चात रोज प्रातःकाल अगर आप बाहर नहीं जा सकते सैर करने तो अपने ही घर में तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर 20 गहरी लंबी श्वास लें और धीरे धीरे उसको छोड़े। यू आर ऑक्सीजनेटिंग योर बॉडी विद मेडिसिनल एयर ऑफ तुलसी, ये है इसके पीछे का उद्देश्य। उसके पश्चात आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें 5 मिनट, मैं तो कहूंगा कि 9 आवृत्ति, बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना, ये 1 बार हुआ, ऐसा 9 बार अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में 3 मास के अंदर आपके शरीर की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। उसके पश्चात 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कपाल भाति और भस्त्रिका करें, और हो सके जब महेश जी बता रहे थे तो योग निद्रा का भी अभ्यास रोज करने की प्रयास करें अपने अपने घर पर ही। और एक प्राणायाम, बेशक इस समय मई जून चल रहा है, ज्येष्ठ और आषाढ़ का मास है, ये गर्मी के दिन होते हैं, हालांकि योग के अंदर गर्मी के दिनों में सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं कराते, परंतु इस प्रकार की जो बीमारी इस समय फैली हुई है समाज के अंदर, इस प्रकार के वायरस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाकर वहां पर तंग करते हैं हमारे लंग्स को, उसको मारने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप सूर्यभेदी प्राणायाम 10 बार गहरी लंबी श्वास केवल और केवल दाहिनी नासिका से लेना, बाएं को अपना बंद करना, दाएं से सांस लेना और दाएं से ही छोड़ना धीरे धीरे, ये 10 बार रोज करने की आदत डालिए, अभ्यास डालिए। 3 मास के प्रयोग के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। मैंने आपको ये छोटी छोटी टिप्स योग और प्राणायाम की दी है। कुछ एक्सरसाइज की टिप हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, वो बताएंगे आपको जैसा मेरी जानकारी में आया है। हम सब स्कूल में पढ़े हैं दिल्ली के अंदर या हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में, जहां तक मेरा परिचय है वहां तक की मैं बात कर रहा हूँ। हम सबके स्कूलों के अंदर एक पीटी एक्सरसाइज कराई जाती थी, आपको अगर याद होगा तो, पहले हाथ सामने उठाना, फिर हाथ ऊपर ले जाना, फिर हाथ दोनों तरफ गिराना और फिर नीचे, फिर दूसरी होती थी हाथ बाजू में ले जाना, ऊपर ताली बजाना, फिर इस प्रकार से। इस प्रकार की वो जो पीटी एक्सरसाइज थी, आज जापान के अंदर, चाइना के अंदर, फ्रांस के अंदर, हॉलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, इन्हीं पीटी एक्सरसाइज की फंडे से बिल्कुल सिंपल वो बड़ी बड़ी सर्वाइकल से लेकर शरीर के अंदर जितने दर्द हैं, रिवॉल्विंग पेन्स, उनका इलाज कर रहे हैं। इसको आप करिए 4 एक्सरसाइज, ये 5 आसन, 10 मिनट का प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, ये अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो मेरा मानना यह है
कि हमारी रोग से लड़ने की ताकत दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहती है। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बहुत तेजी से उस ऊर्जा का विकास हमारे शरीर में होता है। एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई हमारी इम्यूनिटी कम क्यों होती है, कोई जेनेरिक या कोई हेरिडिटी डिसीज हो उससे तो समझ में आता है, परंतु ये वैसे क्यों कम हो जाती है? हम तो अच्छा खाते पीते हैं, हमारे घर में तो बहुत अच्छा खाना पीना है, फिर क्यों होता है? उसका भी एक कारण है, आज हमारा रहन सहन और खान पान ये इतना बिगड़ चुका है कि जिसकी वजह से शरीर से रोग के लड़ने की ताकत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हम जंक फूड खा रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हम नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं। आज भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप पढ़ेंगे पेटा का, कि नॉन वेजिटेरियन फूड से कितना नुकसान शरीर को हो रहा है। आज एक न्यूज आई हुई है टीवी पर कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक चिकन वायरस आने वाला है। ये जो फार्मिंग चिकन्स होती हैं, इनके अंदर जो एक बीमारी एक वायरस फैल रहा है, ये पूरे विश्व की आधी से ज्यादा आबादी को जो नॉन वेजिटेरियन है उसको नष्ट कर देगा आने वाले समय में। और हम तो सब सात्विक थे, हम सब तो अग्रवाल परिवारों से हैं मैक्सिमम, हम सब लोग तो सात्विक भोजन करते थे, दाल चावल फुल्का सब्जी। हम भूल गए कि अपने उस आहार को, हमने नॉन वेजिटेरियन चले गए, अंडे पर चले गए, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पर चले गए, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, उसमें क्या क्या केमिकल पड़ रहा है ये हमें मालूम ही नहीं है। उसकी वजह से भी हमारी रोग से लड़ने की शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है। अमेरिका के अंदर जो इम्यूनिटी कम होने का कारण है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी इस बात को अब सोच रहे हैं। इसलिए अपने खान पान को ठीक करें, और अगर हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, वैसे तो डाइट के डॉक्टर हमारे पास हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन योग की दृष्टि से मैं आपको तीन चार चीजें बताना चाहता हूं। नंबर एक, वैसे तो आप जनरली लोग कहते हैं कि योग के शिक्षक, नेचुरोपैथी के शिक्षक चाय पीने के लिए मना करते हैं, लेकिन मैं आपको और हमेशा कहता हूं, 40 साल से कह रहा हूं, बल्कि 50 साल हो गए मुझे कहते कहते, चाय अवश्य पीनी चाहिए। चाय के अंदर रोग से लड़ने की शक्ति, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ताकत है, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल होता है फिनाइल जो उसको इंक्रीज करता है, उस एक्टिविटी को बढ़ाता है। परंतु चाय कैसे बनानी, आजकल नहीं, हमेशा 12 महीने के लिए चाय के अंदर 4 तुलसी के पत्ते, याद रखिए 4 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी अदरक, आधा चम्मच मोटी सौंफ, एक छोटी इलायची, थोड़ा सा बारीक टुकड़ा मुलेठी, और अगर संभव हो तो एक या दो पत्ते पुदीने के, ये डालकर, और सर्दी के दिन आ जाए, बारिश शुरू हो जाए, तो बनफ्शा, गुल बनफ्शा एक आता है किराने की दुकान से मिल जाएगा, उसकी एक चुटकी उसके अंदर डालेंगे आप। ऐसी चाय अगर आप दिन में 3 कप भी पीते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांग तरीके से बढ़ जाएगी, ये मैं आपको दावा कर रहा हूं। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, हर साल हम देखते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, और ऑड इवन और पता नहीं क्या क्या पॉल्यूशन के बारे में हम सुनते हैं, उस पॉल्यूशन को अगर कोई दुनिया में मार सकता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे कंट्रोल करके एक अच्छे ढंग से श्वास को लिया जा सकता है, तो जो चाय मैंने बताई है ऐसी चाय आप रोज पीजिए। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसमें चीनी मत डालिए, आप डायबिटीज हैं तो कुछ मत डालिए, फीकी पीजिए, और अगर आपको चीनी की जरूरत है तो गुड़ डाल दीजिए और इस चाय को रोज पीजिए। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, केवल इसीलिए नहीं, वैसे भी पूरे दिन के अंदर 2 बार कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सारा दिन गर्म पानी पीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कम से कम दिन में 2 बार गर्म पानी जरूर पीजिए। प्रातःकाल उठते ही 2 गिलास पीजिए, और दिन में या शाम को जब आपका दिल करे तब पीजिए।
रात को सोते हुए या दिन में एक बार गर्म दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी, आजकल मई जून का महीना है तो आधा चम्मच, जब सर्दी आ जाए तो आप एक चम्मच हल्दी डाल सकते हैं, गर्म दूध के अंदर हल्दी का सेवन करें, यह आपकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाएगी। दक्षिण के अंदर हमारे दो बहुत बड़े संत इस समय काम कर रहे हैं, श्री श्री रविशंकर जी और जग्गी सदगुरु वासदेव जी। उन्होंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग आज पूरे विश्व भर में सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने काढ़ा नहीं दिया यहाँ पर जैसे हम दिल्ली में दे रहे हैं, जो आयुष मंत्रालय ने कहा है वो भी बहुत उपयोगी है, उसमें वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको चाय में बताई है, परंतु उन्होंने एक प्रयोग किया, एक गिलास गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच हल्दी डालिए, चार पत्ते पुदीने के डालिए और उसके अंदर थोड़ी सी शहद डालिए, इसको हिलाकर आप दिन में दो बार पीजिए, उनका मानना है। और ये प्रयोग बहुत सारी लैब में टेस्ट हो चुका है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी बहुत तेजी से स्ट्रांग होती है और आप रोगों से लड़ सकते हैं, रोग से लड़ने की ताकत ऊर्जा आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है। विटामिन सी, विटामिन सी नींबू, आजकल संतरा है नहीं, और आंवला, ये आजकल उपलब्ध है, इसका प्रयोग रोज जरूर करें, बल्कि 12 महीने अगर उपलब्ध है तो 12 महीने करें। विटामिन सी जितना लेंगे शरीर में, यहां तक कि प्रेग्नेंट लेडीज से लेकर बच्चों से लेकर 80 साल के वृद्ध तक विटामिन सी काम करता है, उसको आप रोज लेने की आदत डालें। विटामिन B12 और विटामिन डी, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है शरीर के अंदर, उसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा हमारे भारत के पास है। भारत जैसा पूरी विश्व में कोई देश नहीं है जिसके पास 12 महीने सूर्य की हमारे को ऊर्जा मिलती रहती है। प्रातःकाल उठते ही जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की जो गर्मी है उसको 10 से 15 मिनट, मैं तो कहता हूं उसी में खड़े होकर व्यायाम कीजिए, उसी में सैर कीजिए, उसमें नंगे बदन नहीं करना, जरूरी नहीं है कि नंगे बदन करना, परंतु सूर्य की उन किरणों को आपने अपने शरीर में लेना है। आप देखेंगे ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, इनके बारे में अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो उसको विस्तार से उत्तर दूंगा बाद में, मैं इनका पालन करेंगे तो हमारे शारीरिक रोग से लड़ने की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है और हम ऐसे ऐसे जो जिसे हम कहते हैं कि भयंकर रोग हैं, जिनका नाम सुनते ही डर लगता है, उन रोगों से हमारा बचाव हो जाता है। शरीर के बाद आता है बुद्धि, माइंड, मन, मानसिक। मानसिक ऊर्जा भी अपने आप में बहुत बड़ी काम करती है और मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं तो उसका है ध्यान रोज करें 10 से 15 मिनट मिनिमम, अपना अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, हम मेडिटेशन करें, जो भी तरीका आपको आता है, जो भी तरीका आपने सीखा है उस तरीके से शांत बैठ जाइए और ध्यान लगाइए। और कोई तरीका अगर आपको नहीं आता तो केवल शांत बैठ जाइए, शरीर को स्थिर रखने की आदत डालिए, बॉडी शुड बी स्टैटिक। जैसे जैसे हमारी बॉडी स्टैटिक होगी, स्थिर होगी, हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, ध्यान टिकना शुरू हो जाएगा। ध्यान में बैठे और इसी ध्यान के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है शरीर में, जो सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन और माइंड को, बुद्धि को, मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रोल करती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। कायोत्सर्ग, योग निद्रा ध्यान, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ध्यान कर सकते हैं। ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तीसरा है भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, वो भी तो इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सीधा साध सिद्धांत है जो मैंने पहले आपको बताया था प्रारंभ में,
कि अगर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है विश्व के अंदर, तो वहीं पर एक सकारात्मक ऊर्जा भी है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकती है। उस सकारात्मक ऊर्जा का नाम है परमपिता परमात्मा। उसको आप किसी भी नाम से पुकार लो, उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो। वो जिसने अगर ये वायरस बनाया है तो वो इसका इलाज भी बनाया होगा। अगर हम उसके बच्चे हैं, अगर हम उसकी संतान हैं, तो वो हमें मारने के लिए नहीं, हमारे को कोई कष्ट देने के लिए नहीं, हमारी परीक्षा लेने के लिए कोई कार्य कर रहा है। इस सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच से प्रभु पर भरोसा रखें और निरंतर उसका चिंतन करते रहें। जीवन में दो चीजें होती हैं, चिंता और चिंतन। चिंता करेंगे तो क्या होगा, समस्या का निदान तो नहीं होगा, परंतु हमारे को भय होगा, डर पैदा होगा, नित्य प्रति हम अपने आप ही अंदर ही अंदर कलह के अंदर पड़ते रहेंगे। तो ये चिंता से बचकर चिंतन के मार्ग पर जाएं, और चिंतन में क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा कि अगर ये है तो इसका हल भी है, कोई समस्या आई है तो उसका हल भी निश्चित होगा। और मैं परमात्मा का, मैंने कोई ऐसे कर्म नहीं किए तो परमात्मा क्यों मुझे दंड देगा। परमात्मा पर भरोसा रखकर चिंतन करते हुए, ऐसा विश्वास पैदा करते हुए हम अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी निरंतर बढ़ाते चले जाएं। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, समय है ना महेश जी हमारे पास? हाँ सर, आप 7:30 बजे तक कंटिन्यू रखो। अच्छा। और 7:30 बजे बाद में हम नेक्स्ट स्पीकर से रिक्वेस्ट करेंगे। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा रईस आदमी, बहुत धन संपत्ति जीवन में कमाई थी। एक बार उसका मन किया कि चलो समुद्र की सैर करने चलता हूं। उसने अपनी बोट निकाली और समुद्र के अंदर चला गया, बहुत गहरा चला गया। आगे जाकर एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान के अंदर इतना भयंकर तूफान था कि उसकी बोट नष्ट हो गई। बड़ी मुश्किल से वो तैर कर एक पास के किसी टापू पर पहुंचा, आइलैंड पर पहुंचा। सुनसान, चारों तरफ समुंदर, एक छोटा सा टापू। वो जैसे भी पहुंच गया, अंदर गया तो टापू पर घूमते घूमते उसको कोई भी नजर नहीं आया। अब वो एक टापू, निर्जन टापू, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, और वो अकेला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, वो वहां सोच रहा है बैठा हुआ कि अब मैं क्या करूं। भगवान को भी उसने कोसना शुरू कर दिया, जैसा कि हम करते हैं अक्सर, हम सभी करते हैं। क्या करें, पेट तो है, भूख तो लगी है, पेड़ पौधे जितने भी दिख रहे थे उसमें से कोई उसने फलों को ढूंढना शुरू किया, जो कुछ भी मिला उससे उसने गुजारा करना शुरू किया। 3-4 दिन निकल गए तो उसके बाद उसके मन में आया कि चारों तरफ से समुंदर है, मेरा कोई बचाव का रास्ता नहीं, और जब मुझे यहीं रहना है, इसी टापू पे रहना है, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लो। उसने पेड़ों की डाल तोड़ी, घास फूस तोड़ा, पेड़ पत्तों से ढककर उसने एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई अपने अंदर विश्राम करने के लिए। और आज सोच रहा था बैठा बैठा कि अब रात को आज कम से कम झोपड़ी के अंदर सोऊंगा। अभी वो सोच ही रहा था कि फिर से तूफान आया, चारों तरफ बिजली कड़क रही थी, और बहुत तेजी से एक बिजली कड़क कर उस झोपड़ी के ऊपर गिरी और वो झोपड़ा थू थू करके जलने लगा, माथा पीट लिया उसने। बड़ी मुश्किल से झोपड़ा बनाया था, भगवान को यह भी मंजूर नहीं था। अचानक उस झोपड़े की जलती हुई लौ को देखते हुए समुद्र के अंदर जो एक जहाज जा रहा था उसमें से एक नाव निकलकर दो जने उसमें बैठकर उस टापू पर आए और उस झोपड़े के पास पहुंचे तो वो आदमी मिला। उससे पूछा कि भाई क्यों बैठे हो। उसने अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा किया कि अपना झोपड़ा जला दिया, हम इस रोशनी को देखकर तुम्हें बचाने के लिए उस जहाज से आए हैं, चलो बैठो
आओ तुम्हें तुम्हारे जहां तुमने जाना है छोड़ देंगे। वो व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले भगवान को कोस रहा था, भगवान का धन्यवाद करने लगा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आपकी करनी में कोई कमी नहीं है, आप पूरा ध्यान रखते हो अपने भक्तों का, और उस बोट पर बैठकर वो चला गया। यह भी बीत जाएगा, यह कोरोना वायरस का समय भी निकल जाएगा, जीवन के अंदर सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे, ना सुख टिकते हैं ना दुख टिकते हैं। अगर हमने ये याद रखा कि यह भी बीत जाएगा और उसके पश्चात भगवान पर पूरा भरोसा रखा कि हे प्रभु, मेरा परमात्मा है, वो बैठा है, वो हमें को क्यों कष्ट में डालेगा, वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेगा, इस प्रकार का चिंतन अगर हमने किया तो मुझे लगता है कि हमारी जो रोग से लड़ने की ताकत है, चाहे वो शारीरिक तल पर है, चाहे वो मानसिक तल पर है, और चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर है, तीनों में हम निरंतर वृद्धि कर पाएंगे और अपने जीवन को सुखी और निरोगी बना पाएंगे। आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, रोग से लड़ने की ताकत आपके बनी रहे, इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और उसके पश्चात अगर महेश जी मुझे कुछ 2-3 मिनट का समय देंगे तो मैं श्री हनुमान धाम की चर्चा अवश्य आप सबके सामने करना चाहूंगा। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। मेरा आपसे थोड़ा सा अनुरोध है कि जरा योग निद्रा कायोत्सर्ग के बारे में थोड़ा सा जरूर टच करें, क्योंकि ये वो शक्ति है जिसके माध्यम से पता नहीं कितनी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है। मैंने तो बहुत एक्सपेरिमेंट आपसे सीखा है 30 साल पहले, थोड़ा सा किसी तरह से टच करें। चाहे मुझे पता है ये कम से कम आधा घंटे का प्रोग्राम है योग निद्रा, पर फिर भी आप 5 मिनट किसी तरह से योग निद्रा कायोत्सर्ग को जरूर कवर करें प्लीज। जी कायोत्सर्ग आपने सुना होगा सब लोगों ने कि हमारे यहां ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है कि हमारे ऋषि मुनि अपने शरीर अपनी काया को छोड़कर पर काया में प्रवेश कर जाते थे। शरीर यहां पड़ा हुआ है परंतु वो कहीं बनारस में विचरित कर रहे हैं या कहीं और विचरण कर रहे हैं। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, और आज तो पूरी की पूरी मेडिकल साइंस ने इस पर जो रिसर्च की है उसको उन्होंने योग निद्रा का नाम दिया है कि आप निद्रा की अवस्था के अंदर जब स्वप्न देखते हैं तो किस लोक में होते हैं, और जब जागते हैं तो आपको उसका ध्यान ही नहीं होता, उसका पता ही नहीं होता। इसके ऊपर हमारे ऋषियों ने चिंतन किया और ध्यान की एक विधि निकाली, उसका नाम है कायोत्सर्ग, योग निद्रा उसको आज मेडिकल भाषा में कह रहे हैं। मैं कराता रहता हूं, काफी जगह मैं कराता हूं, पूरे विश्व में कराई है मैंने। उसके लिए मैं आपको एक संक्षेप में बता रहा हूं, फिर कभी कोई प्रैक्टिकल क्लास का कोई अरेंजमेंट हो गया महेश जी के द्वारा या आप सबके द्वारा तो फिर उसके अंदर आपको आनंद आएगा। आप सीधा लेट जाइए शवासन में या फिर कुर्सी पर बैठ जाइए, रिलैक्स, हथेलियों को आसमान की तरफ देखता हुआ खोल कर रखिए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, और पैर के अंगूठे से प्रारंभ करते हुए शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन है चाहे वो आउटर ऑर्गन है, यहां तक कि मस्तिष्क के एक एक सेल तक अपने आप को शिथिल करने की क्रिया, इसको कहते हैं कायोत्सर्ग, और पुनः उसको चैतन्य अवस्था में लाना, और फिर चैतन्य अवस्था में लाकर जब आप देखते हैं, खड़े होते हैं, जागते हैं, तो आपको लगता है कि पूरा शरीर ना जाने कितने हजार वॉट के करंट से हमारा शरीर भर गया है। इसको कहते हैं योग निद्रा, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये थ्योरी का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल विषय है, परंतु इसको करिए। आप याद रखिए, बिजली की तार के अंदर करंट होता है, लेकिन बिजली की तार करंट नहीं होती। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ये जो ऊर्जा काम कर रही है, ये ऊर्जा केवल शरीर नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई उस धड़कन, क्या हो जाता है, 2 मिनट पहले तो कहते हैं रामचंद्र,
और दो मिनट बाद डॉक्टर कहते हैं बॉडी क्या निकल जाता है शरीर में से, क्यों एक शरीर शव बन जाता है। इस ऊर्जा का नाम है योग निद्रा। ये जो परमात्मा धड़क रहा है इसके शरीर के अंदर, हार्ट बीट जिसे आप कहते हैं, पल्स रेट जिसे आप कहते हैं, ये वो ताकत है जिसको हमें समझना पड़ेगा। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगी उस दिन हम अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ सकेंगे, मेरा ऐसा मानना है। आप इसका अभ्यास करें, हम सबके शरीर के अंदर वो ऊर्जा है, उसको जगाना, उस झरने को, उस स्रोत्र को वहां तक पहुंचकर समझना और उस स्रोत्र का अनुपालन करना, ये जिस दिन हम कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने शरीर को सुखी, निरोगी और स्वस्थ रख सकते हैं, इसमें कोई शंका का कारण नहीं होगा। मैं समझता हूँ थ्योरी के दृष्टि से तो इतना ही बताना काफी है, कभी प्रैक्टिकल क्लास हुई तो फिर आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, वी आर इंडीड वेरी मच लाइटेंड विद योर प्रेजेंटेशन सर। आचार्य जी का सानिध्य मेरा 30 साल से ज्यादा का हो गया। इनकी जब भी धारा प्रवाह बोलते हैं तो इच्छा करती है कि हम सुनते ही रहें। और योग निद्रा या कायोत्सर्ग जब ये कराते हैं, मेरा जब भी अवसर मिलेगा मैं जरूर ये कार्यक्रम कराऊंगा, क्योंकि मैं इनके इस कार्यक्रम की एक्सपर्टाइज से बहुत प्रभावित रहा हूं। हमारे इस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय श्री प्रवीण मोहंगिया जी जो GM है पंजाब एंड सिंध बैंक के, आप आए, वी आर वेरी मच एंड लाइक थैंकफुल टू यू सर, वी वेलकम यू सर विथ योर प्रेजेंस। श्री आदेश जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्री BL गुप्ता, डॉक्टर चंद्रकांता माथुर, मयूर मयंक बंसल, DPA अग्रवाल जी जो हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल से हैं, श्री जगदीश गर्ग जी अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, चंचल मेहता जी, चारू गुप्ता, रविंद्र गुप्ता, आप सबकी प्रेजेंस के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वी आर ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल टू CA सोनिया मैडम जी जो कि वाइस चेयरपर्सन है जलंधर ब्रांच की, मैडम आई अलोंग विथ आदित्य अग्रवाल, वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड प्रेजेंस इन दिस प्रोग्राम। नाउ मैं सीधा सीधा, आचार्य जी ने सभी चीज कवर किया है, सूर्य चिकित्सा के बारे में जिक्र किया, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जिक्र किया। कहते हैं जैसा नजरिया बदलने से नजारा बदल जाता है और जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो इस कोरोना को मात देने के लिए ये जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, योग ध्यान और प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, ये बहुत ही अचूक जो है रामबाण की तरह से काम करती हैं। हमें सिर्फ हमारा विश्वास इसमें बढ़ाना है। अब विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम, डायरेक्टली मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीषा अग्रवाल जी से, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस डाइटिशियन है, वो 15 से 20 मिनट में रोशनी डालेंगी राइट डाइट क्या है, क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कैसे खाएं, किन किन चीजों का हम सेवन बढ़ाएं, ताकि आज के इस समय में हम कोरोना को मात दे सकें और हमारी इम्यूनिटी पावर को हाईएस्ट लेवल पर बूस्ट कर सकें। मैं मनीषा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अब अपना प्रेजेंटेशन देंगी। मनीषा जी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डाइटिशियन है और हमारे मित्र श्री रितेश अग्रवाल जी जो कि एक फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सेवा भारती से जो बहुत ही वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनकी आप धर्मपत्नी हैं। मनीषा जी ने मेरा ये जो रिक्वेस्ट स्वीकार करके और आज जो स्वीकृति दी है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सीधा मनीषा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अब आगे का प्रेजेंटेशन दें। श्रीमती मनीषा जी। धन्यवाद महेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया, और बाकी जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद कि वो अपना अपना प्रेशियस टाइम देके हमें सुनने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। महेश जी, क्या मैं, आप मुझे इनेबल कर दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हूँ। आप कीजिए मनीषा जी, आप कीजिए अपना प्रेजेंटेशन शेयर कीजिए। अभी तो नहीं आ रही है, शेयर करने पे आ नहीं रही है। लिखा है डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। एक सेकंड।
कोई बात नहीं, मैं आपकी एक मिनट अब आप देखिए जरा एक बार। अच्छा जी ठीक है, अब ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, अब शायद स्टार्ट हो गया प्रेजेंटेशन। तो जैसे कि ये जो वेबिनार है वो इम्यूनिटी कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं उसके लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरे परिवार के साथ और जो ये कोरोना महामारी है इसका अभी तक कोई इलाज तो आया नहीं है मेरे ख्याल से, इसका एक ही इलाज संभव है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, इतनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो कि अगर हम पहले तो हम इन्फेक्टेड ना हो पाए, अगर हो भी जाए तो अपने आप ही हमारी बॉडी उससे हमें ठीक कर दे। तो कि कैसे हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जब हम इस संसार में आए तो भगवान ने हमें एक बहुत अच्छे इम्यून सिस्टम के साथ जो है वो भेजा था, लेकिन उसको उसी रूप में मेंटेन करना ये हमारा काम है कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग बना सकें और उसी की तरह मेंटेन रख सकें। तो इसको कैसे, जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि हम इसको प्रॉपर डाइट और प्रॉपर लाइफस्टाइल के द्वारा ही मेंटेन रख सकते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है, जिसके कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो मैं आपको थोड़े से, मैं आपके साथ थोड़े से पॉइंट्स शेयर करूंगी और आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। सबसे पहले तो क्या है कि हमारा डाइजेस्टिव होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो हमारी गट है, डाइजेस्ट होता है, वो है, अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि 70% इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं वो हमारे जहाँ हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वहीं हमारे, वहीं सबसे ज्यादा हमारे इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। तो जो हम खाते हैं और जो हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होता है उसी पे हमारा इम्यून सिस्टम बेस्ड होता है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमारी गट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी बॉडी जो है उससे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगर हमारी गट ही हमारी हेल्दी नहीं होगी तो अगर हम अच्छा खा भी रहे हैं तब भी उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हम अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं हमारी गट को ठीक रखने के लिए। वो जो प्रोबायोटिक्स हैं वो बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है, तो वो हमारी गट को जो है, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उन्हें वैसे ही मेंटेन रखता है और उन्हें बढ़ाता है। तो अब प्रोबायोटिक्स में हम क्या ले सकते हैं डेली में, तो प्रोबायोटिक्स लेने के लिए सबसे अच्छा है दही, कर्ड है, ऑलिव्स हैं, जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो हमारे प्रोबायोटिक, जो ये एक प्रोबायोटिक डाइट होती है और ये हमारी गट को बहुत हेल्दी रखती है। और इसके साथ ही हमें प्रीबायोटिक्स भी लेने चाहिए। प्रीबायोटिक्स किस में होते हैं, मैं आपको छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे देती हूँ कि किस में प्रीबायोटिक बहुत अच्छा होता है। तो आपने सुना होगा इसबगोल की बुस्सी, साइलियम हस्क जो होता है वो बहुत, एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रीबायोटिक्स का। वो आप कैसे ले सकते हैं, तो वो प्रीबायोटिक्स लेने के लिए आपको क्या करना है कि वो वैसे तो आप नॉर्मली अगर ले सकते हैं उसे रात में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसे नहीं ले सकते तो आप उसे अपने जो आप आटा मलते हैं, जिसकी आप रोटी बनाते हैं, उसमें आप उसे डाल सकते हैं, तो वो बच्चे भी खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो जो ये प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेना चाहिए। मैं एक छोटी सी आपको टिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो लोगों को डायबिटीज है
और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। एक आपने सुना भी होगा जौ का आटा, बारले का फ्लार, उसको किसी फ्लार में मिक्स मत करिए, उसको ऐसे ही उसकी चपाती बना के खाइए। तो जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिनको बहुत साल से कॉन्स्टिपेशन है, जो बहुत जिनको परेशानी रहती है या जिनकी शुगर लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, वो अगर इसकी रोटी खाएंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। और एक बात मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ कि जो ये बारले का आटा होता है इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी भी बहुत होती है, तो जिन लोगों को बोन्स कैल्शियम जो इनटेक लेना पड़ता है, और वैसे भी आजकल हम सभी में कैल्शियम लेवल्स कम रहते हैं, तो जो कैल्शियम का है वो इस बारले फ्लावर में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो इस बारले फ्लोर को आप अपनी डाइट में डेली में जरूर इंक्लूड करिए। तो एक तो ये फाइबर रिच होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करेगा और आपकी गट को हेल्दी रखेगा, आपकी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा एक मैं छोटा सा टिप आपके साथ और शेयर करती हूँ, जैसे अभी आचार्य जी ने बताया हल्दी का। हल्दी एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है और ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। एंटीबायोटिक है तो डेली डेली हम किसी इन्फेक्शन के अगर कॉन्टेक्ट में आते हैं, छोटा मोटा इन्फेक्शन होगा तो वो उसे अपने आसानी से सॉर्ट आउट कर देती है। और एक हल्दी की और क्वालिटी है कि वो लीवर के लिए बहुत अच्छा टॉनिक होता है। तो जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, या जिनको खाना बहुत देर में डाइजेस्ट होता है, इनको ये लगता है कि जैसे खाना खा लिया तो बहुत देर तक हैवीनेस रहती है पेट में, वो एक मेरी छोटी सी टिप फॉलो करें कि जो रॉ हल्दी आती है अदरक की तरह अभी भी मिल रही है, उसको ग्रेट करके, थोड़ी सी ग्रेट करके एक कप पानी में एक आध मिनट बॉईल कर लीजिए और उस पानी को आप 15 डेज पी के देखिए। पीना या तो सुबह एम्प्टी स्टमक पी लीजिए या आपके लंच और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम होता है उसमें पी लीजिए। बस ये है कि आपने एक घंटे पहले कुछ ना खाया और उसके आधे घंटे बाद तक कुछ मत खाइए, तो ये आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। आप ट्राई करके देखिए और जो स्किन है आप 15 दिन में ही देखेंगे कि आपकी स्किन भी ग्लो करने लगी है और जो पिंपल्स वगैरह होते हैं स्किन के वो भी वैनिश हो जाते हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही इजी रेमेडी है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हल्दी पानी में उबाल के आपको गर्म पानी की तरह पीना है। आप इसको जरूर ट्राई करिए, आप इसको और महेश जी को बताइएगा कि कैसे इसके क्या रिजल्ट हैं, वो मुझे बताएंगे कि इसको क्या कैसे आपको रिजल्ट इसके मिलते हैं। बाकी सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड है, जो इसे हम वेस्टर्न डाइट भी कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड को हम लोग अपनी लैंग्वेज में वेस्टर्न डाइट कहते हैं। वेस्टर्न डाइट में क्या है कि पिज्जा बर्गर या जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, चिप्स होते हैं, जिसमें ट्रांस फैट होता है, मतलब अच्छा तेल नहीं होता है, उसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। ये क्या करता है कि प्रोसेस्ड फूड हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उनको डेवलप नहीं होने देता, क्योंकि वो बहुत रैपिडली बार बार वो डिवाइड होते हैं, तो उनको डिवाइड होने से रोकता है ये। इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। ये क्या क्या करते हैं प्रोसेस फूड, मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ कि एक तो इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जो हमारी बॉडी की पावर होती है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की उसे कम कर देता है, और कुछ कुछ हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती हैं जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। और प्रोसेस्ड फूड की एक बहुत ही शायद मुझे लगता है कि आप लोग को नहीं पता होगा प्रोसेस्ड फूड क्या करते हैं। धीरे धीरे जब हम इसे रेगुलर अपनी हैबिट में लेते रहते हैं तो जो प्रोसेस्ड फूड है ये हमारी डीएनए में एंटर कर जाता है। डीएनए में हमारे एंटर करके जो है ये हमारे जो अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे गट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको, उनके बैलेंस को गड़बड़ कर देता है। बैलेंस को गड़बड़ करने से क्या होता है कि धीरे 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 हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, और ये वीक इम्यून सिस्टम ये हमेशा के लिए हो जाता है और ये हमारे ऑफ स्प्रिंग्स में चला जाता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। मतलब हमारे डीएनए को गड़बड़ करके ये नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन के जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे घर आती है वो विद वीक इम्यून सिस्टम आती है, तो इसका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ये एक साइड इफेक्ट है। तो जो प्रोसेस्ड फूड है हम सोचते हैं कि ठीक है हम कभी कभार खा लेंगे या डेली में कभी भूख लगती है तो एकदम से खा लेते हैं, तो ये धीरे 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 जब आप इसको अपनी हैबिट में ले आते हैं तो ये आपका डीएनए ही गड़बड़ कर देती है और आपकी इसका इफेक्ट आप पे कम पड़ के आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे ज्यादा पड़ता है। तो
तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोसेस फूड ना लें। वैसे तो आजकल सभी ने देखा होगा कि जब 2-3 महीने से हम घर का बना खाना खा रहे हैं तो हमारे बॉडी पे काफी पॉजिटिव इफेक्ट आया है, जो और रेगुलर बीमारियां होती थी वो नहीं हो रही हैं क्योंकि हम घर का बना फ्रेश फूड खा रहे हैं। तो प्रोसेस फूड को प्लीज अवॉइड करें क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक है। और उसके बाद हमें क्या लेना चाहिए, हमें नेचुरल फूड्स लेना चाहिए। नेचुरल फूड्स का मतलब है कि हम जो फ्रेश फ्रूट्स में भी अगर हम रॉ फूड लें, मतलब कि अनकुक्ड फूड, मतलब जो हम ऑयल में पकाते हैं, जो मसालों में कुक करते हैं फूड को, उसकी जगह अगर हम बॉइल्ड फूड लें, कम कुक करें, बहुत ज्यादा कुक ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा कुक करने से उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, फिर उसमें कुछ नहीं बचता जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो हम ये सोचते हैं हम तो इतना हेल्दी खाना खा रहे हैं लेकिन हमारे उससे हमें कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, फिर भी कैल्शियम की कमी है, फिर भी विटामिंस की कमी है, फिर भी मिनरल्स की कमी है, ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हम तीनों चारों टाइम बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं। तो हमें वो जो फूड है वो रॉ फॉर्म में लेना चाहिए। रॉ फॉर्म में मतलब आजकल तो हम अनपील्ड नहीं ले सकते, तो हमें पील करके लेना चाहिए, सैलेड के फॉर्म में लेना चाहिए, या फिर हम उसको बॉइल्ड फॉर्म में थोड़ा कम बॉइल करके ऐसे लेंगे, एक मील में इंक्लूड कर लीजिए। खूब सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आप एक मील में इंक्लूड कर लीजिए, बाकी मील जैसे आप लेते हैं वैसे ले लीजिए। थोड़ा सा तो आपको चेंज करना पड़ेगा तभी आपको कुछ मिलेगा। अगर आप उसी सोचे कि वैसे ही जैसे हम हमारा जो खान पान है वैसे ही चलता रहे तो उससे नहीं हो पाएगा। इस टाइम में हमें थोड़ा सा तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो नेचुरल फूड्स जो होते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स फ्री भी होते हैं, प्रोसेस फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और फुल ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स होते हैं। तो ये हमें नेचुरल फूड्स जितने ज्यादा से ज्यादा हम इंक्लूड कर सकते हैं वो करने चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारे 3 मेन मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों मेन मील्स जो होते हैं इसमें हमें जरूर कॉम्बिनेशन रखना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिंस और मिनरल्स का। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम एक डाइट में प्रोटीन ही प्रोटीन लें, एक डाइट में हम कार्ब्स ही कार्ब्स लें। मतलब हमारी डाइट में रोटी भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, मीन्स दाल है, कर्ड है, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसमें। ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड करिए अपनी डाइट में किसी भी फॉर्म में। तो एक पूरा हेल्दी कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे हमें सभी कुछ मिल जाए उसमें। ऐसा नहीं है कि एक चीज कम रह गई। जो 3 मेन मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें तीनों में हमें पूरा कॉम्बिनेशन बना के पूरी एक हेल्दी डाइट लेनी है इस टाइम में। इस टाइम में हम पोर्शन साइज भले ही कम कर दें लेकिन हमें डाइटिंग नहीं करनी है, हमें पूरी एक हेल्दी मील लेनी है, पूरी एक बैलेंस डाइट लेनी है जिससे कि हमारा अंदर किसी भी विटामिन्स, किसी भी मिनरल्स, प्रोटीन्स की या कार्ब्स की या एनर्जी की कमी ना हो, कि अगर हमें इन्फेक्शन भी हो जाए तो हम लो ऑफ एनर्जी ना हो, हमारी बॉडी उससे लड़ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो है बैलेंस डाइट में पूरा सब कुछ कंबाइन करके लें। इसके आगे है कि कोई बात नहीं, मुझे स्लाइड नहीं दिख रही है। हमें अपना जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिंस का इंटेक। वो अभी आचार्य जी ने भी बताया था कि हमारी डाइट फुल ऑफ विटामिंस होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8। तो उसको हमें क्या करना है कि उसको वो रैपिडली डिवाइड होने के लिए उनको विटामिंस जरूर चाहिए। इसीलिए सब कहते हैं कि विटामिन सी, विटामिन डी सब इंक्लूड, बार बार आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि विटामिंस जरूर लीजिए अपनी डाइट में, विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए, विटामिन ई लीजिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम के सेल्स को डिवाइड होने के लिए विटामिंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए अभी आचार्य जी ने बताया था कि सनरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी यही कहूंगी कि जैसे सुबह आप उठते हो, अगर आप चाय भी पीते हो तो अगर आप अपने रूम की विंडो जहां पर सनरेज आ रही हो या आपकी बालकनी, तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमें वहीं बैठ के पीनी है। उससे क्या है कि आपका विटामिन डी भी अब्सॉर्ब हो जाएगा, आपको थोड़ी सनलाइट भी मिल जाएगी और आप अपना जो भी रूटीन वर्क कर रहे हैं वो भी हो जाएगा। तो सुबह मॉर्निंग में उठ के जरूर आपने जो है सनरेज लेनी है। और इसके लिए हमें टाइम पे उठना भी पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें हैं उनका बहुत हमें फायदा मिलता है। तो हम अगर प्रॉपर टाइम पे सोएंगे और प्रॉपर टाइम पे उठेंगे तभी हमें सनरेज
हम उसका फायदा उठा पाएंगे सनरेज का. तो विटामिन डी का मेन सोर्स तो सनरेज ही है, बाकी और सारी चीजों में भी विटामिन डी होता है, लेकिन एक रिचेस्ट सोर्स जो कहते हैं वो सनरेज ही है. उसके साथ साथ विटामिन सी, विटामिन सी का भी आचार्य जी ने काफी सारे सोर्सेज बताए थे. उसके साथ ही मैं एक और ऐड कर देती हूँ. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींबू नहीं ले पाते, आंवला नहीं ले पाते, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, या आर्थराइटिस पेशेंट होते हैं, या किडनी के पेशेंट होते हैं, वो ये सब नहीं ले सकते, उनको मना होता है. तो या तो आप विटामिन सी का सप्लीमेंट ले लीजिए डॉक्टर से पूछ के, या तो फिर आप एक पपाया में, पपाया भी बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन डी का, सॉरी विटामिन सी का, तो पपाया आप अपनी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड करिए. जो हमारा पपीता होता है उसको आप या तो मॉर्निंग में इंक्लूड कर लीजिए, नहीं तो आप उसको, एक पपीता फल ऐसा होता है कि वो रात में भी आप खा सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, बल्कि सुबह उठ के आपका पेट ही साफ होगा. तो पपाया जो है वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का, जो बाकी चीजें नहीं खा सकते वो पपाया खा सकते हैं. और बाकी विटामिन ई, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ हमें पूरे, जो हम कॉम्बिनेशन डाइट लेंगे उसमें सब कुछ होता है, वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, तो आप सारा कुछ कंबाइन करके अगर लेते हैं तो आपको सारे विटामिन्स मिल जाते हैं. बस एक इम्पॉर्टेंट यही है कि आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए. फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड करिए आपने अपनी डाइट में, जिससे कि आपको पूरा कॉम्बिनेशन सारे विटामिन्स का और मिनरल्स का मिल जाए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी गट हेल्दी रहेगी, गट हेल्दी रहेगी तो सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यून सेल्स डेवलप होंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी. वो और उसके बाद क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नींद, एडिक्वेट स्लीप. आजकल क्या होता है कि हम देर से सोते हैं और उठते उसी टाइम में, तो हमारी बॉडी प्रॉपर नींद नहीं ले पाती, और बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए नींद बहुत जरूरी है, तभी भगवान ने बनाया रात और दिन. तो रात में हमें सोना ही चाहिए, हमें अपने गैजेट्स प्लीज रात में ना देखें. ज्यादा गैजेट्स देखने से हमारे माइंड पे कहीं इफेक्ट पड़ता है जो हमें फील नहीं होता. उससे क्या है कि हमारी नींद जो है उसका जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है. हम सोचते हैं कि आजकल, अभी मैं भी लैपटॉप पे बैठ के ही बोल रही हूँ, तो हम क्या सारे दिन गैजेट्स में रहते हैं तो वो हमारे जो नींद के जो हॉर्मोन्स है तो वो गड़बड़ा जाते हैं. हम सोचते हैं हमें नींद क्यों नहीं आ रही है, तो हमें एक टाइम जरूर फिक्स करना है. थोड़ा सा उसकी जगह हम अगर बुक्स को रीड करेंगे तो आप देखना कि आपकी नींद पे कितना अच्छा इफेक्ट आएगा. मतलब आप थोड़ा सा गैजेट्स को में रीड करने की जगह हमें वापस अपनी पुरानी पद्धति पे आना पड़ेगा बुक्स रीडिंग करने के लिए. बुक्स रीडिंग करेंगे तो आपको नींद और अच्छी आएगी. तो हम अपने मोबाइल या लैपटॉप में रीड करने की जगह अगर बुक्स को रीड करेंगे तो नींद की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी. और एक हमें एक रेजोल्यूशन तो लेना ही पड़ेगा कि हम आफ्टर 9 PM हम नहीं देखेंगे गैजेट्स, क्योंकि उसके बाद क्या है कि हम गैजेट्स नहीं देखेंगे, बुक्स रीड करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे नींद का सर्कल ठीक हो जाएगा. नींद का सर्कल ठीक होते ही आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपकी आधी बीमारियां अपने आप गायब हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा. तो आपको अपनी नींद का जरूर ध्यान रखना है. क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि कभी हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें दवाइयां देते हैं, उन दवाइयों से हमें नींद आती है. क्यों नींद आती है हमें? इसलिए कि जब हम सोते हैं हमारा इम्यून सिस्टम तभी वर्क करता है. सोते समय ही सारे इन्फेक्शन से लड़ता है हमारा इम्यून सिस्टम. तो प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है. इसका मतलब इम्यून सिस्टम भी हमारा तभी, उसके इम्यून सेल्स भी तभी डेवलप होते हैं जब हम सो रहे हों. जब हम जग रहे हों तो हमारी बॉडी जो के जो ऑर्गन्स हैं वो और फंक्शंस में लगे रहते हैं, हमें चलाने में, बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, उन सब में वो ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. जब सोते हैं तो बाकी फंक्शन स्लो हो जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है. तो एडिक्वेट स्लीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है एडिक्वेट स्लीप. तो प्लीज नींद का आप अपना सर्कल जरूर ठीक करें, नींद का सर्कल जरूर ठीक करें, जिससे कि आगे हमारा इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाए, स्ट्रांग हो जाए. और जैसे कि बताया था आचार्य जी ने कि जो एक्सरसाइज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो डाइट के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होंगे जब हम डेली में एक्सरसाइज की प्रैक्टिस, योगा की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे.
उसके लिए आपको छोटा सा रूटीन जरूर निकालना चाहिए, 30 मिनट्स 25 मिनट्स 20 मिनट्स। मनीषा जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्सरसाइज के लिए हमने डॉक्टर नरेश जी को इनवाइट किया हुआ है, वो बस इतना सा ये उनके लिए छोड़ दीजिएगा प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं बस ये बता रही हूँ कि उतना टाइम जरूर निकालिए जिससे कि आपको जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में है वो उसी के साथ एब्जॉर्ब होंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज का रूटीन डेली होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कभी भी एक दिन में डेवलप नहीं होता, इसमें मंथ्स लगते हैं, ईयर्स लगते हैं। तो जो भी जैसे आचार्य जी ने बताया, शायद अगर आपको अच्छा लगा हो जो मैंने बताया, इसको आपको डेली प्रैक्टिस में लाना है और इसको कंटिन्यू रखना है, तभी धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। हमें वापस अपनी पुरानी पद्धति पे, भारतीय पद्धति पे आना पड़ेगा, और जो हमारी वेस्टर्न डाइट है वो हमें छोड़नी पड़ेगी, तभी हम जो है अपने इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं और तभी हम रोगों से लड़ सकते हैं। जैसे कि अभी बताया था आचार्य जी ने कि इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में वो पुरानी पद्धति है, जैसा खान पान है, इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। और अगर हम इन सबको अपने डाइट में, अपनी लाइफ स्टाइल में लाएंगे तो जरूर हमारी धीरे धीरे इम्यूनिटी जो थोड़ी वीक हो गई होगी, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। और अगर महेश जी आप परमिशन दे तो मैं एक छोटा सा सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, जूस जो इम्यूनिटी के लिए स्ट्रांग कर सकता है। अगर आप एक या दो मिनट में सम अप कर देंगी तो नेक्स्ट स्पीकर के साथ मैं जस्टिस कर पाऊंगा। बिल्कुल, एक मिनट लगेगा, बहुत छोटी जल्दी से बता देती हूँ। एक मिनट, बहुत छोटा सा ये जूस है जो डेली में हमें लेना चाहिए, कि थोड़ा सा पम्पकिन, चाहे व्हाइट वाला चाहे येल्लो वाला, थोड़ा सा कुकुम्बर ले लीजिए उसमें, और थोड़ा सा उसमें कुकुम्बर, करी पत्ता और घिया, कुकुम्बर, घिया, करी पत्ता, पम्पकिन, आप नोट कर लीजिए, कुकुम्बर है, थोड़ा सा घिया है, थोड़ा सा कद्दू, पम्पकिन, करी पत्ता, और उसमें थोड़ा सा जो है वो ये पुदीना के पत्ते डाल दीजिए। इसका जूस, इसको ब्लेंड करके और स्ट्रेन करके इसका जूस अगर पियेंगे, और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, एक आता है मोरिंगा पाउडर, ड्रम स्टिक का होता है, ड्रम स्टिक हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिन्हें बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, वो लोग इस जूस को एक महीना ट्राई करें, उसमें एक चम्मच मोरिंगा पाउडर मिला के रोज एक बार इस जूस को ले लें एक महीने में, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा जो भी पूरा सेशन है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने गागर में सागर भरने का कार्य किया है और इतने अच्छे तरीके से सभी चीजों को पूरी अच्छी तरह से कवर किया है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। निसंदेह मेरा दावा है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स आज इस प्रोग्राम को पूरी तरह से सुन के जाएंगे, उनकी इम्यूनिटी पावर डेफिनेटली बहुत अधिक बूस्ट होगी और कोरोना से लड़ने की उनमें क्षमता बहुत बढ़ेगी और वो विजयी होगी। हमारे इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कि हमारे चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड आदरणीय श्री बाल मुकुंद गोयल जी भी आए हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं, आपने हमारी जो हौसला अफजाई की है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आचार्य विजय जी से अनुरोध करूंगा, मेरा अनुरोध है उनसे कि वो कार्यक्रम के अंत तक रहें, क्योंकि उनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रेज करके अपनी शंकाओं का समाधान चाहते हैं, इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि वो कार्यक्रम के अंत तक जरूर अवश्य रहें। मित्रों, एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मेरे को बहुत सारे लोग अक्सर टच करते हैं और पूछते हैं कि यार कोरोना का आपके हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, कैसे होगा, कहाँ से सलाह लें, क्या करें। तो मैंने उन सबको कहा कि एक तो इस कार्यक्रम को आप पार्टिसिपेट करो, मैं इस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग आप सब तक भी भेजूंगा, और बाकी जो भी लोग होंगे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजें। आपसे ये अनुरोध करूंगा कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने परिवार के सभी लोगों में, अपने जानकार मित्रों में अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी जो ना आ सके इस कार्यक्रम में इस वक्त, वो उसका लाभ उठा सकें। और हम बहुत जल्दी ही हमारे अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर वह कोरोना के ट्रीटमेंट की भी हम बहुत जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे यहाँ
एक कंसल्ट पेड कंसल्टेंसी शुरू सर्विसेज भी शुरू होंगी, जिसमें बहुत ही उत्कृष्ट कैटेगरी की सर्विसेज भी उनको हम देंगे। अभी कार्यक्रम का समापन बिल्कुल नहीं हुआ है, हमारे एक और स्पीकर डॉक्टर नरेश, वो हाउ टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी विद द एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज। डॉक्टर नरेश एक बहुत ही एक्सपीरियंस रिच एक्सपीरियंस जो है पर्सनालिटी है, और हमें पूरा फक्र है कि हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के आप फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट के हेड हैं, और बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक हमारा ये डिपार्टमेंट आप हैंडल कर रहे हैं और चल रहा है। वेस्टिंग योर टाइम, हमारे बीच में हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाजपत बंसल जी भी आए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं और आप हॉस्पिटल में जितना समय देते हैं हॉस्पिटल के लिए और जनसेवा के अंदर हमेशा कार्यरत रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। अब सीधा सीधा मैं डॉक्टर नरेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, समय की सीमा है इसलिए कुछ समय डॉक्टर नरेश जी का जरूर कट हुआ है, क्योंकि हमें बाद में क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत बड़े विषय को वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर समाप्त करेंगे, तो मेरे पर बड़ी उनकी कृपा रहेगी। पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन लिए बैठे हैं और हम चाहते हैं कि उनका भी उनके क्वेश्चनों का समाधान करके हम उनको भेजें, तो डॉक्टर नरेश प्लीज। आवाज नहीं आ रहा सर। सर डॉक्टर नरेश जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें, प्लीज डॉक्टर नरेश प्लीज। आप सुन सकते हैं? साफ आई है, अभी साफ आई है आवाज, पहले थोड़ी सी आवाज ट्रबलिंग कर रही थी, आप प्लीज कंटिन्यू करो। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो, ठीक है, आप आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी बोलना शुरू कर रहे हैं वो। हाँ जी नमस्कार, मैं अभी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करना चाह रहा हूँ अपनी। तो आज का जो विषय है वो सारा का सारा जो केंद्रित है हमारे रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर केंद्रित है। तो अब आवाज आ रही मेरी, क्लियर है सबको? हाँ, आ रही है अभी। हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर। डॉक्टर साहब धन्यवाद, इतने संयमपूर्ण तरीके से वातावरण बना रखा है आप सभी लोगों ने। मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूं आपसे। ये प्रेजेंटेशन ये शेयर नहीं हो रहा महेश जी। महेश जी अनेबल कर दो उनको। प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हो रहा। वेट, आप देखिए जरा चालू हुआ, अब आप देखो जरा एक बार। मैंने ऑन कर दिया है, अब आ गया। अब आप चेक करो, आ गया सर हुआ? आप चेक करो, आ रहा है सर, नजर आ रहा है? नहीं अभी नहीं नजर आया। अब अभी भी नहीं आया। नाउ हाँ अब आया थोड़ा। डॉक्टर साहब समय की मजबूरी है, मैं आपसे महेश जी मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो कुछ टेक्निकल कारण जो हो जाते हैं उससे ना चीजें स्लो हो जाती हैं। कोई बाकी मैं सभी लोगों का स्वागत एक बार दोबारा करता हूँ एक्टिव एंड फिट बॉडी वेबिनार में।
हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आ गया इस पे। हाँ जी हेलो, आप चालू रखो। अरे आप डॉक्टर साहब चालू रखो अब। जी सर, हाउ टू कीप बॉडी फिट एंड एक्टिव। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ, फिट और फ्लेक्सिबल कैसे रखें। तो जब हम कभी भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना, तो जैसे आचार्य जी ने बताया था कि बचपन में हम स्कूल में पीटी किया करते थे। आवाज आ रही है मेरी सबको? महेश जी आ रही है सर, आवाज क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। पीटी क्या करते थे, जैसे जैसे हम बड़े होने शुरू हो गए, जैसे जैसे हमारी एज शादी लायक हो गई, हमारी शादी हो गई, हम बिजनेस के अंदर आ गए, अपने प्रोफेशन के अंदर हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमने अपना जो बॉडी है उसको बना दिया स्टेटिक। देखिए, जब बचपन में बच्चे थे हम तो पीटी किया करते थे, जब जवान हुए तो हमने क्या ये चीजें एक्सरसाइज फॉलो करी, क्या हम चलते हैं? सबसे बड़ी बात है कि दो चीजें हैं शरीर के अंदर, अगर शरीर को एक्टिव करना है तो एक तो होता है स्टैटिक यानी रुका हुआ, दूसरा होता है हमारा डायनेमिक यानी हम अपने शरीर को चलाते हैं। अब शरीर को सारा इकट्ठा चलाना और एक एक पार्ट में चलाने के अंदर बहुत ही थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है। जैसे जब मानव शरीर का जो रचयिता है हमारा भगवान, बड़ा ही सोच समझ के हमें नेचर के साथ जोड़ा। मनुष्य भी जो मानव है, मानव भी नेचर का ही पार्ट है, नेचर के साथ जोड़ते हुए भगवान ने हमें ऐसी कलाकारी दे दी कि शरीर के अंदर हमारी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए ज्वाइंट दे दिए। हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती हैं और हर जिस ज्वाइंट के अंदर मूवमेंट होती है वो मांसपेशियां कराती हैं। तो एक्टिव रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी डायनेमिक होती है। अगर जो भी व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, चाहे वो योग करता है, चाहे वो एरोबिक करता है, चाहे वो कुछ भी करता है, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करता है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। देखो, अगर जनरल मैं किसी व्यक्ति से बात करूं कि भाई ये बताइए कि एक्सरसाइज के नुकसान क्या है, तो नुकसान एक्सरसाइज का एक भी नहीं होता। कोई कह सकता है कि एक्सरसाइज करने के नुकसान होते हैं? नहीं, एक्सरसाइज करने के हजार फायदे होते हैं। और आज की कोविड के सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ा फायदा एक्सरसाइज करने का है, और अगर जो लोग पहले से व्यायाम, योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हैं, उन सभी लोगों में रोगों से लड़ने की शक्ति ज्यादा होती है। उन सभी लोगों के लिए लाइफ आज की डेट में भी कॉमेडी की तरह वो निकाल सकते हैं। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लोग अपने जीवन के अंदर या पूरे सुबह से लेकर शाम के जो पूरा रूटीन हमारा होता है उसके अंदर 8-8 घंटे चेयर पे बैठ के काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि 8 घंटे के अंदर भी लोग खाना पीना खाना या फिर टॉयलेट जाने के अलावा उठते भी होंगे। लगातार कंटिन्यूस सिटिंग पोस्चर के कारण उनका पूरा स्पाइन, पूरा बॉडी जकड़ना शुरू हो जाता है। तो उन सभी लोगों के लिए जो लाइफ है ना आज की डेट में, वो ट्रेजेडी की तरह होती है, जिनकी स्टैटिक लाइफ है हमारी। ये मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको। अब आपको ये देखना है कि आपको लाइफ कॉमेडी की तरह लेनी है या ट्रेजेडी की तरह लेनी है। अच्छा, बेनिफिट क्या एक्सरसाइज के? जैसे मैंने बताया कि नुकसान तो कोई है ही नहीं, और बेनिफिट ही बेनिफिट है इसके तो। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आज हम सभी ने डिस्कस किया है वो है इम्यून सिस्टम। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हेल्दी इम्यून सिस्टम पाने के लिए हम सभी लोगों को व्यायाम करना जरूरी है। अब व्यायाम कितना करना है, कैसे करना है, योगा करना है, योगासन के अंदर इतने सारे आसन होते हैं, क्या हमको सभी करने हैं? क्या हर एज के व्यक्ति के लिए एक ही टाइप की एक्सरसाइज हो सकती है? क्या जो चीज हमारे बच्चे कर सकते हैं वही चीज जवानों को करना चाहिए, वयस्कों को करना चाहिए, या वही चीज हमारे वृद्ध जो बुजुर्ग लोग हैं उनको करना चाहिए? मैं आपको एक बात बता दूं, एक हमारी साइंस है जिसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी। एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी का मतलब है कि अगर हम सही उम्र के अंदर सही तरीके से व्यायाम करें तो उसी हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम भी वर्क करता है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम आज की डेट में हेल्दी है तो हम वायरल, बैक्टीरिया, फंगल, जितने भी इन्फेक्शन है उनसे बड़े आसानी से ही अपने शरीर को सुरक्षित रख पाते हैं। आपने देखा होगा कि भाई इतने सारे लोग हैं जिनको सिम्टम ही नहीं है ज्यादा, किसका आया वो ठीक हो गया कोरोना के अंदर, किसी को सिम्टम ऐसे आ गए कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, वो सांस नहीं ले पाया। तो ये सारा डिपेंड करता है कि हमारा रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी, वो इम्यून सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अब एक्सरसाइज की डोज कितनी और कैसे होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
जब आप सभी लोग जो वेबिनार अभी ध्यान पूर्वक देख रहे हैं तो सबके मन में क्वेश्चन आता है कि वे एक्सरसाइज कब शुरू करें, कितनी शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या हम ज्यादा कर लें तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी एक पेशेंट था जिसको कोरोना हुआ, अभी रोहिणी के अंदर है, मेरे पास फोन आया, मेरा पुराना जानकार था, पुराना पेशेंट था, उसको कोरोना हुआ, उसने मुझे पूछा कि सर क्या कोरोना के अंदर मुझे हल्का फीवर है, कोरोना टेस्ट मेरा पॉजिटिव है, क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो मैंने इससे पूछा कि आप जब आपको बैक पेन था एक साल पहले मेरे पास आते थे तो मैंने आपको एक्सरसाइज सिखाई थी, क्या वो रूटीन में स्पाइन की एक्सरसाइज आप करते थे? तो जवाब मेरा नहीं। मैंने कहा आप बुखार के अंदर एक्सरसाइज करना शुरू करोगे तो क्या आपको लगता है कि अभी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी? ऑन द स्पॉट कभी भी किसी भी चीज को हम शुरू करें तो उसका मतलब ये नहीं कि आज हम ठीक हो जाएंगे। और बुखार के अंदर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज अगर हम करते हैं बुखार के अंदर तो हम अपने जोड़ों को हिला रहे हैं, उनको गति दे रहे हैं, हम स्ट्रीनस एक्टिविटी जो कर रहे हैं उससे सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जहां सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ता है वहां बुखार के सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो कभी भी बुखार के अंदर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब जो लोग स्वस्थ हैं, जिनकी उम्र, जो बच्चे हैं, बच्चों को तो स्कूलों में अब मैंडेटरी हो गया है कि वे एक्सरसाइज भी कराते हैं, योगा भी कराते हैं, इवन पहले भी कराते थे। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर बच्चों को ये गाइड कर सकता है कि भाई बेटा जो स्कूलों में एक्सरसाइज कराई जा रही है वो हमें भी सिखाओ, तो सिंपल से वो बताएंगे पीटी टाइप के योगा, सारी फ्लेक्सिबिलिटी से वो करके दिखा देंगे, वो पवन मुक्त आसन भी कर देंगे, वो सर्वांगासन भी कर देंगे, मयूरासन भी कर देंगे, वृक्षासन भी कर देंगे, मगर क्या वो आसन हम कर सकते हैं, कितने आसन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमने अपने अपनी सपोज करो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 50 साल, अब 50 सालों में उसने कभी जीवन में व्यायाम किया नहीं है और एकदम से वो कोई भी आसन करना शुरू कर दे तो हो सकता है कि उसकी मांसपेशियां, उसके जॉइंट इतने फ्लेक्सिबल ना हो, जिसके कारण किसी गलत पोस्चर में उसने व्यायाम कर लिया या किसी अधिक मात्रा में ज्यादा व्यायाम कर लिया तो उससे क्या होगा कि उनके जोड़ों पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा, मांसपेशियां खिंच जाएंगी, जिससे कि वो फर्दर एक्सरसाइज करने लायक भी नहीं रहेगा। तो एक्सरसाइज की डोज डिसाइड करने से पहले ये देखना है कि हमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, शुरुआत कैसे करनी है, किससे पूछ के करनी है, या कोई जिस योगाचार्य से हम एक्सरसाइज भी सीख रहे हैं या जिस फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम जा रहे हैं या जिस एक्सरसाइज एक्सपर्ट, एक्सरसाइज सिखाने वाले एक्सपर्ट से हम सीखने जा रहे हैं, उसको कितना एक्सपीरियंस है सिखाने का, क्या वो हमारे शरीर की जांच अच्छे से कर सकता है, क्या वो ऑथराइज है कि हमारे शरीर की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसको सारे मापदंड पता है कि भाई शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो डोज डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो जनरल चीजें मैं आप सभी को बता दूंगा कि शुरुआत कैसे करें और एक्सरसाइज की शुरुआत किसी भी एज में, किसी भी बीमारी में कैसे कर सकते हैं। अब जो मैंने बात की थी एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी की, वो हमारे जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बच्चे जिम चले जाते हैं और जिम में जाके देर देर दो दो घंटा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, या हम नए साल पे या कभी दिवाली पे होली पे एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई हम ना कल सुबह उठेंगे और सुबह सुबह उठ के जिम जाएंगे, या कल उठेंगे एरोबिक क्लासेस में चले जाएंगे, या कल सुबह पार्क में योगा करने चले जाएंगे। तो अब ये बात, आप हर व्यक्ति का जो शरीर है उसका काम करने का तरीका और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है। भगवान ने जितना मनुष्य को बनाया है, जितने भी इंसानी शरीर इस धरती पर हैं, उन सभी शरीरों का अपना डीएनए है, अपना मन है, अपना व्यक्तित्व है, अपना ब्रेन है। हर दो व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, यानी जितनी जनता है इस धरती पर हर एक व्यक्ति का सोचने का तरीका और उसका शरीर का काम करने का तरीका अलग है। तो हम कैसे अपने आप को जाने और कहाँ रुकना है हमें और कितनी एक्सरसाइज करनी है, अगर हम चाहें तो जिम में चले जाएं और दो दो घंटे एक्सरसाइज कर लें, अगर दो घंटे एक्सरसाइज करने से हमारा समय भी खराब होता है और हमें कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज उस दो घंटे के एक्सरसाइज के बराबर है। तो इतनी सारी रिसर्च, हम तो अपनी फील्ड के अंदर हमारी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, हमारी एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी की जो हमारी क्या कहते हैं फील्ड है, इतनी सारे रिसर्च होते रहते हैं, तो हम ये जान पाते हैं रिसर्च के कारण कि भाई अगर किसी व्यक्ति को हम 20 मिनट एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और वो आदमी दो घंटे भी एक्सरसाइज कर रहा है तो 20 मिनट की एक्सरसाइज में भी उसको वही लाभ मिलेगा जितना दो घंटे की एक्सरसाइज करने से उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो अति में अमृत भी जहर है, ना तो बिल्कुल सिडेंट्री लाइफस्टाइल को अपनाना है। सिडेंट्री मतलब क्या, बिल्कुल स्टैटिक हो जाए, खड़े ही ना हो, चले ही ना, वॉक ही ना करें,
अपने जितने भगवान ने जोड़ दिए शरीर के उसको हम हिला ही ना, ठीक है। और दूसरा अति अति व्यायाम का मतलब कि दो दो तीन तीन घंटे में एक्सरसाइज ही कर रहे हैं हम, योगा में लगे हुए हैं हम, एरोबिक करने में लगे हुए हैं। तो ऑप्टिमल लेवल पे जो एक्सरसाइज करनी है उससे हमारा इम्यून सिस्टम ऑप्टिमली इनहेंस होता है और हम रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अपने शरीर को थोड़ा गर्म किया जाए, यानी वार्म अप हम करते हैं हमेशा। अगर किसी व्यक्ति को वॉक भी करनी है, वॉक करने का एक नियम है, अगर मान लीजिए आपको 15 मिनट या 20 मिनट वॉक करनी है तो उसका तरीका है कि पहले 2 से लेकर 5 मिनट तक आप धीरे धीरे चले, जैसे मस्त हाथी जंगल के अंदर विचरण कर रहा है। 5 मिनट के बाद आने वाले 10 मिनट तक थोड़ा तेज चले। जिन लोगों को घुटने की तकलीफ है, आर्थराइटिस की बीमारी है, वो लोग तेज अगर चलेंगे तो उनके घुटने आपस में रगड़ खाएंगे और उनको पेन बढ़ जाएगा। तो अगर बीमारी घुटने की नहीं है, कमर की नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो पहले 1 से लेकर 7 दिन तक, यानी सोमवार से शुरू करके और रविवार तक, पहले 5 मिनट धीरे चलें, फिर थोड़ा सा तेज हो जाए, भागे नहीं और ब्रिस्क वॉक भी ना करें। उसके बाद आने वाले 2 से 3 मिनट तक धीरे हो जाए। तो पहले 7 दिन पहले 2 से 5 मिनट धीरे, फिर 10 मिनट नॉर्मल गति से चलें, फिर धीरे हो जाए। 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे करके अपनी वॉक को वार्म अप के बाद जो 10 मिनट का समय है, पहले 2 से 5 मिनट धीरे चलें, फिर 5 से लेकर और आने वाले 10 मिनट तक, यानी 15 मिनट टोटल हो जाएंगे आपके, ब्रिस्क वॉक करें, भागे नहीं, तेज चलें। तेज चलने का मतलब है कि आप इतना तेज चल रहे हैं कि अगर आपके साथ वाला कोई व्यक्ति है, अगर आप उससे आपसे बात करने लग जाए तो आप उसकी तरफ मुड़ के देख ना पाओ, ये होता है ब्रिस्क वॉक। तो इस तरीके से व्यायाम की शुरुआत करें। देखो चलना बहुत जरूरी है, अगर आप अपने लिए चलेंगे, अगर शरीर आपका चलता है तो आपका जो हार्ट है ना वो भी पंप करता है, और ब्रिस्क वॉक से बढ़िया कार्डियक एक्सरसाइज कोई अभी तक बनी नहीं है। सेकेंड है हमारा, अगर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शरीर के अंदर जितने भी जोड़ हैं, गर्दन से लेकर पैरों तक, सभी जोड़ों के अंदर पूरी रेंज में हम उसको मूवमेंट दें। और रेंज में जब मूवमेंट हम देते हैं तो कोई भी एक्सरसाइज 5 से 7 बार करें। अगर आप उसको 20 बार करते हैं तो भी वही फायदा है। अगर आप उसको 100 बार करते हैं पंजे चलाने को या गर्दन की एक्सरसाइज को, तो भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना आप 6 से 7 बार मूवमेंट करने में आपको फायदा मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप सभी को सुनाई दे रही होगी, समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल सरल शब्दों में अपनी बातों को मैं रख रहा हूँ। आवाज आ रही है महेश जी मेरी सबको? हाँ डॉक्टर साहब आ रही है, मुझे लग रहा है लिमिटेशन जरूर है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आचार्य जी के लिए। हाँ थोड़ा सा आप जो है इसको हमको थोड़ा बस मैं खत्म करने वाला हूँ। कुछ फोटो दिखाऊंगा जो आचार्य जी बात कर रहे थे ना कि एक्सरसाइज कि हमें ये करना चाहिए, पवन मुक्त आसन करना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सर्पासन करना चाहिए, उसके मैं फोटो दिखा दूंगा। दिखाइए प्लीज। बस जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करें अपने शरीर के सारे जोड़ों को 5 से 7 बार वार्म अप के लिए जरूर मूवमेंट दें, एक्सरसाइज करें। देखिए सिंपल सिंपल एक्सरसाइज की मैं फोटो दिखाता हूं। अगर हम अपनी कलाई को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इसको भी 5 से 7 बार करिए। दोनों कलाई को स्ट्रेच कर सकते हैं। जब भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो स्ट्रेचिंग को कम से कम 10 सेकंड तक हम एक ही पोजीशन में जिस मसल को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, उसको रखेंगे। ये उल्टा नमस्कार कर दिया हमने जिससे कि हमारी कलाई की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं। हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं जिससे कि कंधों की एक्सरसाइज होगी, हाथों को पीछे ले जाएं जिससे बाजू की एक्सरसाइज होगी हमारी। जो हमने हाथों को स्ट्रेच किया था वो स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी खड़े होकर भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक एक्सरसाइज है जो बिगनर्स को करनी चाहिए, और पूरे दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। कंधे को ऊपर ले जाना, हाथ को उठाना साइड वाइज ऊपर की तरफ लेके जाना, ये सिंपल सिंपल हमारे कंधे के व्यायाम है। गर्दन की एक्सरसाइज आगे की तरफ झुकाना, पीछे की तरफ लेके जाना, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन। योग के अंदर इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, साइड फ्लेक्शन, कान को कंधे की तरफ लेके जाना, फिर दूसरे कान की तरफ कंधे की तरफ लेके जाना।
कंधे से पीछे की तरफ देखना, इसको रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। ये हो गई गर्दन और कंधे की एक्सरसाइज। देखिए शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा स्पाइन। आप स्पाइन को समझिए कि जैसे पावर हाउस होता है ना, किसी घर के अंदर जब बिजली आती है तो पावर हाउस से आती है वो। हमारा जो ब्रेन भगवान ने ऊपर की तरफ डाला हुआ है दिमाग, ये पावर हाउस है, यहाँ से करंट चलता है। तो जैसे घर के अंदर मीटर की तार आती है ना, मीटर में एक मोटी तार आ रही है, ऐसे भगवान ने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइन के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड डाला हुआ है, इसको मीटर की तार बोलता हूँ मैं। और इस तार से पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। गर्दन की नसें हाथों में जाती हैं। जैसे आपके घर में दो फ्लोर हैं और चार कमरे हैं, तो एक मीटर के अंदर से तार आ रही है, पंखे में जा रही है फर्स्ट फ्लोर के, कोई एसी में जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है। आपका जो मन करता है, मान लो आपको पानी पीना है, आपने फ्रिज ऑन कर दिया, फ्रिज चालू हो जाएगा, गर्मी लग रही है पंखा ऑन कर दिया। ऐसे ही जैसे ही मेरा मन या मुझे कोई प्यास लगेगी, मैं मेरी आंखें पानी की तरफ जाएंगी और मैं हाथ से पानी को उठा के पी लूंगा। तो ये सारा पावर हाउस वर्क करता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा मीटर की तार है, उस तारों से जुड़े हैं हमारे हाथ। गर्दन की नसें पैरों में और छाती की और पेट की नसें होती है, वो पेट के अंदर का और छाती के अंदर की मांसपेशियों को करण देती है। तो अगर हमने अपने स्पाइन को, देखिए स्पाइन ये मीटर की तार है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर हमने स्पाइन को अच्छे से लचीला रखा, फ्लेक्सिबल रखा, उसको एक्सरसाइज करते रहे, एक्सरसाइज करने से सर्कुलेशन हमारा नॉर्मल रहता है और गर्दन से लेकर कमर के निचले हिस्से तक 33 हड्डियां होती हैं, उसकी मोबिलिटी बेटर रहती है। तो स्पाइन की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये गर्दन की ताकत की एक्सरसाइज है जो बाबा रामदेव जी ने बड़ी पॉपुलर कर रखी है। ये लेट के पंजा चलाना ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, हर एक्सरसाइज को 5 से 7 बार करिए। अति में अमृत भी जहर होता है। ये पैर को, एड़ी को पैर को रगड़ते हुए मोड़ दिया, फिर पैर को सीधा कर दिया, कमर उठा दिया, सेतु बंदासन इसको बोलते हैं। ये सब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। स्पाइन को रोटेशन राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ लेके चले गए, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है जो लोगों को करनी चाहिए। अर्धपवन मुक्तासन, ये घुटने की मांसपेशियों की ताकत की एक्सरसाइज हमारी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेज। उल्टा होके कमर की मांसपेशियों को ताकत की एक्सरसाइज कराते हैं, प्रोनेसलर बोलते हैं। ये कैट कैमल की पोजीशन है हमारी, जिससे स्पाइन की सारी जो हमारी हड्डियां हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और उसकी मोबिलिटी बेटर होती है। ये स्पाइन को ताकतवर करने के लिए एक्सरसाइज है हमारी, सुपरमैन एक्सरसाइज बोलते हैं इसको हम। महेश जी मैंने शॉर्ट में खत्म कर दिया, कुछ पिक्चर दिखानी थी मैंने पिक्चर दिखा दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आई एम इंडीड वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर समराइजिंग दी सच ए डिटेल्ड हेल्दी टॉपिक इन सच ए वेरी वेरी मिनिमम टाइम। आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू डॉक्टर साहब। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी कोई भी चीज की ज्यादती ज्यादा जो है वो हानिकारक ही होती है। कहते हैं ना अति रूपेण वह सीता, अति गर्वेण वह रावण है, अतः अति सर्वत्र वर्जते। रावण बहुत गर्वशाली था, सीता बहुत रूपवती थी, तो वो अति किसी भी चीज की वो ठीक नहीं होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे बीच में हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान में कंट्रोल बोर्ड के सदस्य श्री राजेश बंसल जी भी आए हैं। हम उनका भी बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। राजेश जी बहुत ही समय देते हैं हमारे श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल को, हमारे लाजपत जी, हमारे बालमुकन जी, हमारे और मेरे भाई सुभाष गुप्ता जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को, आए हुए हैं। और सबसे एक बहुत ही विशिष्ट अति बहुत ही विशिष्ट पर्सनैलिटी डॉक्टर संजीव सिंगल जो हमारे भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार स्वागत करना चाहता हूँ। डॉक्टर संजीव सिंगल ने बहुत किताबें रखी हैं और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशन में एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। ये अभी हमारे जो इंस्टीट्यूट की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी है सेंट्रल काउंसिल, उसके सर्वाधिक मतों से जीते हुए हमारे डॉक्टर संजीव सिंगल जी हैं। और वो सीए परिवार के माध्यम से बहुत कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अभी कोरोना डेज में जितने कार्यक्रम डॉक्टर संजीव सिंगल ने प्रोफेशनल नेचर के, चैरिटेबल और फिलैंथ्रोपिक नेचर के किए,
उसके लिए मैं दिल से उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज सीए परिवार। वी आर इंडीड वेरी मच प्राउड ऑफ यू सर एंड ऑल्सो प्राउड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन सीए परिवार। डॉक्टर संजीव सिंगल ने बहुत सारी पीपी किट्स चैरिटी में दी, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट समूह को जोड़ करके लाखों के रूप में जो है जो मास्क पीपी किट्स और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेवा भारती के माध्यम से इन दिनों में किया, बहुत सारे कार्यक्रम भी आप करा रहे हैं। वी आर इंडीड वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड प्रेजेंस हियर। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली बी सिट बी कंटिन्यू इन दिस प्रोग्राम बिकॉज मैं आपसे कार्यक्रम के समापन के लिए जो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप ही को मैं खासतौर से निवेदन करना चाह रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज रुकिएगा जरूर। हमारे हमारे हॉस्पिटल के महामंत्री श्री के एल गर्ग जी जो मेरे साथ हॉस्पिटल में पूरा समय लगाते हैं, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम उनका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई श्री के जैन जी भी हमारे बीच में आए हैं, श्री अनिरुद्ध जी, दीपक जी, मैं आप सभी का हमारे प्रोफेशनल टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए आदित्य, कोमल और मयंक, इन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम को जो लोग नहीं आ पाए हैं उन तक पहुँचाने का जिम्मा आप पर है, मैं आप सबको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अवश्य भेजूंगा। अब क्वेश्चन आंसर के लिए बिना ज्यादा समय लेते हुए सीधा सीधा अनुरोध करता हूँ सीए सीएस मीनल अग्रवाल को कि हालांकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है पर वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही जो है हमारे आचार्य विजय जी से और हमारे स्पीकर से जो है वो प्रेजेंट करने जा रही हैं। सीएसएस मीनल अग्रवाल, आपसे मेरा कार्यक्रम के अंत तक अवश्य रुकिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन हमारे डॉक्टर संजीव सिंगल जी की तरफ से होने वाला है, आप प्लीज जरूर रुकिएगा। और अब सीएसएस मीनल अग्रवाल को क्वेश्चन आंसर के, आप किसी के भी अगर कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो तो आप अभी भी तुरंत चैट के माध्यम से दे सकते हैं, पर हम समय की सीमा, हम समय पर कार्यक्रम शुरू किया हमने 6:30 बजे और हमारा प्रयास रहे 8:30 बजे तक इसको समापन भी कर दें। तो क्योंकि हम टाइम की पंक्चुअलिटी का भी ख्याल रखना चाहते हैं, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो जल्दी से जल्दी सीएसएस मीनल अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वो कवर करेंगे। प्लीज गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा पहला क्वेश्चन जो आया है वो आचार्य विजय जी के लिए आया है और मैं आचार्य जी से रिक्वेस्ट करूंगी। सर आपने ये बात बोली कि चाय पीना जो है वो बिल्कुल लाभदारी है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो आजकल ये जो चलन चला हुआ है ग्रीन टी पीने का हमारे ऑफिसेज में घरों में, तो रमेश गुप्ता जी का ये क्वेश्चन आया है कि क्या ग्रीन टी भी एक इक्विवेलेंट इम्यूनिटी बूस्टर है या नहीं? ग्रीन टी और ब्लैक टी इन दोनों में केमिकल वाइज कोई फर्क नहीं होता, परंतु जब हम ब्लैक टी पीते हैं तो उसके अंदर हम थोड़ा सा मिल्क डालते हैं, चाहे बहुत थोड़ा सा डालें, और मिल्क के अंदर एक लैक्टोज प्रोटीन होता है जो इलायची छोटी जो हम डालते हैं उसके साथ जब उसका केमिकल रिएक्शन होता है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कन्वर्ट, जहां डॉक्टर वो आपको बता सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट की जो डोज होती है पर बॉडी 264 कंटेंट जब मिल जाता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो परफेक्टली काम करना शुरू कर देता है। तो ब्लैक टी के अंदर जब हम ये जड़ी बूटियां डालते हैं जो मैंने बताई 6 तरह की, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा बनिस्बत खाली ग्रीन टी और उसमें एक लेमन निचोड़ कर हमने ले लिया तो उससे होगा, हालांकि दोनों के केमिकल सेम रहते। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुंगिया जी की तरफ से, पीएसबी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो जीएम है और ये पूछ रहे हैं कि क्या हल्दी पाउडर ठीक है या कच्ची हल्दी का सेवन करना इम्यूनिटी के लिए बेटर है? मैंने बताया था कि 12 महीने जो साल के होते हैं
उसमें सर्दी के दिनों के अंदर जब ये कच्ची हल्दी मिलती है अपने को, अदरक जैसी आंबा हल्दी इसे कहते हैं, तब अगर हम उसका भी सेवन करें तो वो ज्यादा लाभदायक है जैसा डॉक्टर मनीषा जी ने बताया। परंतु जो दूध के अंदर हल्दी डालकर पिएंगे तो वो ये हम पाउडर हल्दी डालकर पिए। ठीक है आचार्य जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अजय घई जी का है। क्विकली बस सर ये अगर आप रिपीट कर सकते हैं जो हमारे को नित नियम से कुछ 5-6 आसन आपने बताए थे फॉर आर व्यूअर्स, बस आसन के नाम अगर आप रिपीट कर सकते हैं इन शॉर्ट। बताता हूँ, पवन मुक्तासन, कदम ताल आसन, गोमुख आसन, शशांक आसन और भुजंग आसन। ये 5 आसन अगर आप करते हैं तो पूरे शरीर के सारे अंगों के व्यायाम हो जाते हैं और जो हमारा जो सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स हमारे चक्रों के द्वारा होता है उन सब के ऊपर समुचित दबाव पड़ते हुए हमारा शरीर सक्रिय हो जाता है। राइट सर। और सर यहाँ पे भूपेंद्र दीक्षित जी और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि हम एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके गाइडेंस में अरेंज करवाएं, तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड अरेंज वन। हाँ, कभी भी आप महेश जी से बात करके हाँ तो आप सब प्लान कर लें, तो जब भी कराएं वो केवल एक दिन का ना हो, क्योंकि एक दिन के अंदर जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे जो हमारे एक्सरसाइज के पार्ट के ऊपर ले रहे थे कि भाई एक दिन में तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है और कितना करना है, तो 3 दिन का कम से कम योग शिविर हो, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, और जो भी अभी ये सिक्योरिटी नॉर्म्स और सोशल डिस्टेंस इन सब का पालन करते हुए हम कर सकें तो अवश्य करिएगा। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ये सब जुलाई के बाद ही हो पाएगा, उससे पहले आप शायद नहीं कर पाएंगे। मैं आपको समय दे दूंगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीषा जी के लिए है। मनीषा जी। हाँ जी। सो मिस्टर गर्ग यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि आजकल क्योंकि हम लोगों की बहुत लिमिटेड बॉडी मूवमेंट हो रही है, घर पर बैठना पड़ रहा है, तो क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए कि वेट गेन ना हो बिकॉज ऑफ लिमिटेड बॉडी मूवमेंट। तो क्विकली अगर आप कुछ 4-5 चीजें बता सकते हैं हमारे को जो हमें अवॉइड करनी चाहिए टू कंट्रोल द वेट। अवॉइड, जैसा मैंने बताया था कि घर का बना फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स आप ऐड करिए डाइट में। तीन जो मेन मील्स हैं उसमें आप सारे कुछ ऐड करिए, लेकिन आप पोर्शन साइज कंट्रोल रखिए। पोर्शन साइज कंट्रोल करने से क्या है कि आपका वेट ऑटोमेटिकली ना बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा और कम भी हो सकता है। और जैसे कि हमें योगाचार्य जी ने बताया कि थोड़ा सा अगर हम योगासन, हम बाहर नहीं जा सकते लेकिन घर पे तो योगासन कर ही सकते हैं और प्राणायाम कर ही सकते हैं, तो हम जो भी खाएं हम पोर्शन साइज कंट्रोल रख के खाएं तो हमारा वेट गेन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा मेरी तरफ से नरेश जी के लिए है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है दिन का जिसमें हमारे को एक्सरसाइज करनी चाहिए या किसी भी समय हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। नरेश जी आप मुझे सुन सकते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अगर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं तो। हाँ जी, एक्सरसाइज करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो तो मॉर्निंग में ही है, और एक्सरसाइज अगर आप सूर्य की रोशनी में करें तो ज्यादा बेटर रहता है मॉर्निंग के अंदर। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डीएसीएस मीनल अग्रवाल। मैं अब एक क्वेश्चन अपनी तरफ से, जो आयुष मंत्रालय में भी मैंने आया था, पढ़ा देखा सुना था, कि आचार्य जी से ये पूछना चाहूँगा कि जो तिल और नारियल के तेल का जो कुल्ला करने का एक सुझाव, एक विचार आया दिया हुआ आयुष मंत्रालय ने कि अगर आप तिल और नारियल तेल को कुल्ला करें, पिए नहीं, तो उसका भी एक क्या कह रहे हैं आप, एक बार फिर से क्लियर नहीं है वॉइस। तिल और नारियल के तेल का कुल्ला, ये कितना उपयोगी हो सकता है? तिल का तेल और नारियल के तेल का कुल्ला पीना नहीं है उसको, इस तरह का कोई जो है विचार, इस तरह का एक सुझाव मैंने पढ़ा था आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट में, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा मेरे को
इसकी एक उत्सुकता बढ़ गई कि तेल का कुल्ला भी क्या होता है। ऐसा है कि आजकल जो है ना वो शास्त्रों की जगह व्हाट्सएप ज्ञान ज्यादा चल रहा है। व्हाट्सएप एक समय गीता बन गई है हर एक चीज के लिए, परंतु ये भी शायद उसी में से एक निकल कर आया होगा। आयुष मंत्रालय का नहीं है ये, जो ये मेरे को पक्की जानकारी है, परंतु दक्षिण भारत के अंदर खासतौर पर केरल और आंध्र के तटीय क्षेत्रों में जब भी कभी मुंह के छाले हो जाते हैं या मुंह के अंदर कोई इस प्रकार से अल्सर टाइप चीज उनको लगता है या उनकी पाचन तंत्र बिगड़ता है, तो वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये परंपरा है जो आप कह रहे ठीक कह रहे हैं कि वो नारियल के तेल का कुल्ला करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब कच्चे दूध का कुल्ला करते थे गांव के अंदर कि मुंह में छाला हो जाए तो जीभ पर छाला हो जाए तो वो वहां पर ऐसा करते हैं, परंतु उसका इम्यूनिटी या इस चीज से मेरे ख्याल मेरे को जहां तक जानकारी है कोई संबंध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। महेश जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया 2.5 मिनट मुझे और दे, 3 मिनट मैं हनुमान धाम की जानकारी दे दूंगा संक्षेप में। हाँ हाँ प्लीज आप लीजिए, आप 2.5 मिनट जी लीजिए। और मैं इससे पहले कि आप 2.5 मिनट और लें, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स में मेरे बड़े भाई सीए आत्माराम सरिया और भी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आरजू अर्चना ब्रजेश शर्मा जी और ईशा गुप्ता ज्योति मेगा भारद्वाज पूनम रीता अग्रवाल सोनिया यश वर्धन आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभार और स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने पूरे कार्यक्रम में समय पर आकर के अब तक जो साथ दिया हमारा। अब मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ मुझे अब 5 से 10 मिनट का और समय दीजिए, उसके बाद हम समय पर यह कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमारे भाई श्री संजीव सिंघल जी का भी एक उद्बोधन जरूर मैं चाहूंगा और हमारे कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड बालमुकुंद जी हैं उनका भी मैं 1 मिनट का आशीर्वचन लेना चाहूंगा। हमारे शोभन कर की जो कमिश्नर साहब हैं वो पूरे कार्यक्रम के दौरान रहे। डीडी अग्रवाल जी जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, फॉर्मर डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपकी भी प्रेजेंस ने बहुत एनलाइटेंड रहे और आप सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय और देंगे। अब आचार्य विजय जी उस हनुमान धाम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, प्लीज आचार्य जी। आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं और जानकारी दे रहा हूं। कलयुग के जीवित जागृत देवता हैं श्री हनुमान जी महाराज, और ऐसे जीवित जागृत देवता हनुमान जी महाराज के विश्व में मैं खुद 76 देशों में गया हूं और मेरी जानकारी है कि हर जगह हनुमान जी की पूजा होती है और हनुमान जी के मंदिर भगवान राम के मंदिरों से ज्यादा मंदिर है, आप सब भी जानते हैं। परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठा करता था कि हनुमान जी के इतने मंदिर हैं, हनुमान जी की इतनी पूजा होती है, हनुमान जी शक्ति के जीवित जागृत देवता हैं, तो उनका तीर्थ धाम कौन सा है। हम दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग, उत्तर भारत के अंदर रहने वाले लोग सालासर धाम और मेहंदीपुर बालाजी धाम के बारे में जानते हैं, परंतु हनुमान जी का स्वयं का तीर्थ धाम जिसमें हनुमान जी के जो 9 स्वरूप और 12 लीलाएं जो 21 स्वरूपों का वर्णन शास्त्रों में है उसका एक ही स्थान के ऊपर होना, ऐसा कोई तीर्थ धाम नहीं था। इसलिए एक कल्पना जगी और विचार हुआ और दिल्ली के अंदर भी हमारे इस समय 550 ट्रस्टी अग्रवाल समाज से हैं, आपके जो अग्रसेन हॉस्पिटल के हैं श्री घनश्याम जी वो भी हमारे ट्रस्टी हैं श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट के, तो हमने कल्पना की और हनुमान धाम का निर्माण हो जिसमें हनुमान जी के 21 स्वरूपों के दर्शन एक ही स्थान पर हो। सौभाग्य से हनुमान जी की प्रेरणा से परिश्रम से ऐसा स्थान मिल गया जहां स्वयं हनुमान जी ने कलयुग के अंदर नहीं सतयुग के अंदर त्रेता युग के अंदर स्वयं तपस्या की थी, इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। उस स्थान पर आज की तारीख में आप सब में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा श्री हनुमान धाम रामनगर उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिल्ली से मुरादाबाद, मुरादाबाद से काशीपुर, काशीपुर से रामनगर, वहां पर 10.25 एकड़ में श्री हनुमान धाम का निर्माण हुआ। 2016 में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई और 21 स्वरूप हनुमान जी के दर्शन अद्भुत दर्शन है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार परिवार के साथ जब ये रास्ते खुले तो अवश्य हनुमान धाम पधारें और हनुमान धाम में दर्शन कर स्वयं भी कृतार्थ हो, परिवार को भी धन्यवाद देंगे आपको, और हनुमान जी की कृपा का प्रसाद आप सबको मिलता रहे, इसी मंगल कामना के साथ आपको ये जानकारी देना चाहता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब कार्यक्रम को समापन की ओर आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे भाई डॉक्टर संजीव सिंघल जी से अनुरोध करूंगा एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। संजीव सिंघल जी हमारे पूरे नॉर्दर्न रीजन में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सेंट्रल काउंसिल के सदस्य हैं। आप सीए परिवार के कर्ता धर्ता हैं और आपने पिछले काफी टाइम से बहुत ही जो है प्रोफेशन की सेवा की है। बहुत सारे प्रोग्रामों में इतना समय देते हैं, मदर की तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप इतना डेडिकेटेडली इस प्रोफेशन की, इस सीए परिवार की सेवा कर रहे हैं अपने बहुत सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम के जरिए, फिलंथ्रोफिक एक्टिविटीज के जरिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज के जरिए, और आप हमेशा मुझे भी मोटिवेट करते रहते हैं। आप ऐसे भाई संजीव सिंघल जी, डॉक्टर संजीव सिंघल जी, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हमारे प्रोग्राम के अंदर और हमेशा जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। आप ENY के एक सीनियर पार्टनर भी हैं, सच ए बिग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई रियली वेरी मच डिलाइटेड एंड ग्रेटफुल विथ योर काइंड प्रेजेंस हियर सर। नाउ प्लीज फॉर ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर संजीव सिंघल प्लीज। थैंक यू वेरी मच महेश भाई सर, आप मेरे बड़े भाई हैं और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आप ही ने ये मार्ग मुझे दिखाया है। जब चाहे मैं इलेक्शन लड़ा या सीए परिवार की जो स्थापना की, तो मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ। चाहे उसमें सुभाष गुप्ता जी हों, के जैन जी हों, आपके दोनों डॉटर मीनल कोमल और बेटा आदित्य, और आपका जो सहयोग रहा है, और आज हमारे साथ में मैंने देखा पीयूष बंसल जी भी हैं जो जलंधर ब्रांच के चेयरमैन हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आपका सारा अग्रसेन परिवार का समाज, और जिस तरह से अभी कोरोना के टाइम पे हमने देखा है एक एक दिन जिस तरह से हमने जिया है, और क्या हमने इससे कुछ लेसन्स लर्न किए हैं। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि व्हाट वी से इज दैट अर्थ इज टेकिंग अ ब्रेक। कोरोना से पहले क्या हो रहा था, एक साल की अर्थ के रिसोर्सेज हम 8 महीने में कंज्यूम कर रहे थे। By the time we were in August, we were consuming the entire earth for the year. And that has led to this. Jitne extreme weather conditions humne dekhi hai, kahi floods hai, kahi par sukha hai, ya jis tarah se earthquake, Delhi mein 12 April se abhi tak 5 earthquake aaye hain. To shayad Bhagwan bhi ye keh raha hai ki insano ab tum maan jao, had aapki aa chuki hai. To shayad ek corona ek lesson, ek raha hai ki hum jo ek particular, main to kahunga ki paise ke piche jo bhag rahe hain, या कुछ अचीव करने के लिए ही जो भाग रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि हम अर्थ के साथ क्या कर रहे हैं, वो प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं, जिसको हम अपनी धरती माता कहते हैं, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। तो भगवान ने हमें एक मौका दिया है कि हम समझें। और जब मोदी जी ने पहले लॉकडाउन के टाइम पे बोला कि मैं चाहता हूं अगर आप समर्थ हैं तो हर कोई 9 गरीब परिवारों की जिम्मेवारी ले, तब हमारे इस मिशन की शुरुआत हुई। और हम सब ने मिलकर, जिसमें महेश भाई साहब का काफी इंस्पिरेशन, सुभाष गुप्ता जी का, के जैन जी का, सभी का रहा, और जो भी महेश भाई साहब ने बताया मैं उसको कोई रिपीट नहीं करना चाहता, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ कहा है, उतना शायद मैं डिजर्व भी नहीं करता, तो वो हमने किया। और आज का जो टॉपिक है, जो हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी पावर, योगा एंड लाइफ स्टाइल, राइट डाइट एंड कीप द बॉडी फिट एंड एक्टिव, आई थिंक दिस हैज बीन अमेजिंग। और 4 टॉपिक एक ही प्रोग्राम में रखना और 2 घंटे ये जिसने पूरा अटेंड कर लिया, लेकिन उससे बड़ी बात जैसे जो जब डॉक्टर नरेश भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा हम इसको इसका कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हमारे प्रोफेशन के जो भीष्म पितामह हैं डॉक्टर गिरीश आहूजा, अभी उनका 2 दिन पहले बर्थडे था और हमने एक स्पेशल जूम मीटिंग उनके लिए रखी, और वो कहते हैं मैं रोज सुबह 8 बजे अब इंडिया टीवी के साथ साथ योगा करता हूं, दिन में प्राणायाम करता हूं। तो 74 साल की एज में अगर वो कर सकते हैं तो आज मैं भी नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं करता हूँ, तो हम सबको वो करना चाहिए। और महेश जी ने जो प्रोग्राम रखा, आई थिंक इससे हम कुछ भी प्रेरणा ले सके। अगर 100 में से 2-5, 4-5 लोग भी अगर इसको इम्प्लीमेंट कर सके तो वो अपने लिए बहुत अच्छा होगा, और खुद का हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी हम समाज की सेवा भी कर सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम में आई थिंक फिटनेस की ही बात की जाए और जनमानस की बात की जाए तो वही ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हम जितना मिलके चलेंगे, जितना एक दूसरे के बारे में सहानुभूति रख के, जितना एक दूसरे के लिए सोचेंगे, वही सब है। और आज जो आचार्य जी ने जो अपने विचार व्यक्त किए, या मनीषा जी ने जो, या डॉक्टर नरेश ने, वो काफी काफी प्रेरणादायक हैं। और आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और मानव जाति जो है ऐसे ही आगे फली फूलती रहे और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिहेव रिस्पॉन्सिबली, and if we can learn some lessons out of this crisis, I think we'll be doing a human service
टू द एंटायर मैनकाइंड, और फिर से आप सबका और पर्टिकुलरली महेश जी का और उनके 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 तीनों बेटे बेटियों का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पूरी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संजीव जी। डॉक्टर संजीव सिंगल जी ने गागर में सागर भरते हुए जिस तरह से वोट ऑफ थैंक्स दिया है, हम उसके लिए पूरी प्रोफेशनल टाइम्स टीम्स आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। सर, एक आशीष वचन के रूप में दो लाइन मेरे बड़े भाई बालामुकुंद गोयल जी, जो कि चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड है मेरे श्री एप्रिसियन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज एक मिनट के लिए आशीष वचन जरूर देंगे श्री बालामुकुंद गोयल जी। बालामुकुंद जी हैं या चले गए? एनी हाउ मेरे ख्याल से वो चले गए हैं। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ कि हमारे कमिश्नर इनकम टैक्स सोवनकर जी ने जो कमेंट्स दिए कि मैं इस प्रोग्राम में सिर्फ मेरे को कोई इंटरनेशनल मैटर की वजह से, टैक्सेशन का किसी मैटर की, गवर्नमेंट मैटर की वजह से आधे से 20 मिनट के अंदर जाना था, परंतु कार्यक्रम का अट्रैक्शन उनको इतना अच्छा लगा कि वो शुरू से लेकर आखिर तक पूरे 2 घंटे इस कार्यक्रम में प्रेजेंट रही, पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर आपका और खासतौर से तीनों स्पीकरों का कि उन्होंने कार्यक्रम को इतना लाइवली बनाया, और इसी तरह के आपकी मोटिवेशन हमें और अधिक अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने के लिए मोटिवेट करेगी। संजीव सिंगल जी से प्रेरणा हम लेते रहेंगे और सारे सीए परिवार के साथ मिलकर के और भी ऐसे अच्छे 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 हम कार्यक्रम करते रहेंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे आचार्य विजय जी का, मनीषा अग्रवाल जी का और डॉक्टर नरेश जी का, जो कि श्री अग्रसेन इंटरनेशनल में हॉस्पिटल में फिजियोथेरापी के रूप में ये सब कार्य क्रियाएं हमें सबको वहां पर लाभान्वित करते रहते हैं। आप सबका एक बार उन्हें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा अनुरोध है कि जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप तक हम भेजें तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी इस कार्यक्रम का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच सर।